आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 30 डेरिवेटिव्स और एक एक्सरसाइज है 30.2। इसमें जो पहला सवाल है उसमें दिया है आपका जो एफ एक्स है वो है 2/x, एफ एक्स है 2/x। अब इनको करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, जितने भी सवाल आ रहे हैं अभी वो सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करना होता है, देखिए ये है इसका रिलेशन, इसमें क्या है या लिख के बता देता हूं आपको। इसमें करना है एफ एक्स प्लस एच, मतलब जहां जहां एक्स देखेंगे वहां एक्स प्लस एच रख देंगे, उसके बाद एफ एक्स माइनस एफ एक्स, अरे जो ये चीज दिख रही है आपका एक्स वही यहां रख देंगे, डिवाइडेड बाय आप एच करेंगे और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यही करना है। तो चलिए इसमें 2/x + h, यानी कि जहां जहां x प्लस एच दिख रहा है वहां रख दिया, माइनस वही बिल्कुल एफ एक्स वही सेम का सेम 2/x और यहां पर h, तो ऊपर का देखते हैं क्या आएगा, ये आएगा 2x प्लस 2 × x + h, यानी कि 2x प्लस 2h, ये हो गया। नीचे आपका आता है h है, x प्लस h है और x है, ये तो ऊपर क्या बन रहा है, अच्छा माइनस है यहाँ, माइनस माइनस 2x माइनस है, तो ये दोनों माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, 2x से 2x चला गया, माइनस 2h बचा यहाँ पे, h से h हटा दीजिए क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ये, तो माइनस 2 ऊपर आया केवल, नीचे क्या आया एक्स एक्स प्लस एच। अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो है, इसको जीरो कर दीजिए आप, तो क्या बनेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस 2 ऊपर है ही एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमको सारे सवाल करने हैं फर्स्ट प्रिंसिपल में, बस ये आप दिमाग में बिठा लीजिए, यही हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब है 1/√x, तो इसमें क्या करेंगे 1/fx + h करेंगे, 1/√x + h माइनस क्या है एफ एक्स, यानी कि मैं दिखा देता हूं एफ एक्स क्या है, 1/√x है, तो एफ एक्स प्लस एच हो गया, एफ एक्स ये हो गया बाय एच, तभी इसको एच को बाद में लिखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको यहां ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस एच बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस एच। अब इसको मान लीजिए इस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इसके आर एफ से, रैशनलाइजेशन फैक्टर से, यानी रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एच से यहां पर, और रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एच से यहां पर। अब ये देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी बना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √x² का होल स्क्वायर एक्स माइनस ये एक्स प्लस एच √ का होल स्क्वायर एक्स प्लस एच, ये बचा ठीक। तो न्यूमरेटर पहले कर लेते हैं, ये न्यूमरेटर है तो ये क्या बनेगा एक्स माइनस एच, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस एच आया आगे वाला आपका, और नीचे क्या क्या आ रहा है देखिए, पहले ये तो ये था ही आपका रूट एक्स था, रूट एक्स प्लस एच है, और ये अलग से आया आपका रूट एक्स प्लस आर एफ से मल्टीप्लाई किया ना तो वो आया। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है क्योंकि आपको केवल एच को जीरो कर देना है। अब लिमिट यहाँ लगाइए एच टेंड्स टू जीरो, आपको याद होगा जब मैंने बताया था ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, तो इसके नीचे एच था ही ऑलरेडी, सबके नीचे एच है, तो यहाँ पर एक एच ऑलरेडी था जो ये वाला एच है, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। अब आप आराम से सब कुछ कर सकते हैं, ऊपर आपका माइनस वन है, नीचे यहाँ पर जीरो करिए, इसको जीरो करिए, तो अब देखिए ये माइनस वन तो है ही, ये रूट एक्स है, ये भी रूट एक्स है, और ये कितना है रूट एक्स प्लस रूट एक्स, यानी कि 2√x है, तो रूट एक्स हुआ एक्स और ये 2 है रूट एक्स, तो 2√x रूट एक्स बना दिया एक्स, ये रूट एक्स को हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो आया -1/2x√x, यही इसका आंसर है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और इसको करना चाहें तो आप देखिएगा ये एक्स और रूट एक्स को मैं देख रहा हूँ, इसको ले रहे हैं एक्स की पावर 1 है और रूट एक्स क्या होता है एक्स की पावर हाफ, तो 1 + 1/2 कितना होगा 3/2, 2 + 1/2 यानी कि 3/2, अब ये एक्स की पावर 3/2 आ गया। लेकिन आप देखिए अगर ये एक्स की पावर 3/2 यहां लिखेंगे, ये नहीं 2 नहीं, तो ये ऊपर जब जाएगा तो एक्स की पावर -3/2 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -1/2 और ये होगा एक्स की पावर -3/2, ऐसे आया ये। ये पहला जो पहला क्वेश्चन है इसके काफी सारे पार्ट है, इसमें तकरीबन 15 पार्ट है, तो इसको हम एक एक करके देख रहे हैं।
नेक्स्ट है आपका जो सवाल है वो आपका एफएक्स दिया हुआ है आपको 1/x³। उसमें यही करेंगे, क्या करेंगे, 1/x + h का होल क्यूब माइनस 1/x³ डिवाइडेड बाय h में आखिरी में लेता हूं क्योंकि उसमें आखिरी में जरूरत पड़ती है, उसे कर लेते हैं ये ठीक। तो x³ माइनस x + h का होल क्यूब बाय x³ इंटू x + h का होल क्यूब। आप देखेंगे कि जब x + h का होल स्क्वायर होल क्यूब करेंगे तो ये आएगा आपका, पहले x³ लिख देते हैं, ये आएगा a³ मतलब x³ प्लस h³ और प्लस 3ab x + h, 3xh x + h मतलब x³। अगर ये a+b होल क्यूब होता तो a³ + b³ + 3ab a+b होता है ना, इसी को ले रहे, इसको खोल देते हैं। अब आप खोलेंगे तो सारे माइनस में आ जाएंगे, लेकिन ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, मैं यहीं पे कर देता हूं, ये माइनस है मैं इसको खोल रहा हूं, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा है ना, ये सारे माइनस हो जाएंगे, बस ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ऊपर क्या बचेगा, -h³, और इसको आप ओपन कर लेते हैं, ये बना -3x² h और ये बना -3xh² ऐसे बन गया ठीक, 3xh² हो गया, ये h³ हो गया, ये हो गया। अभी सबसे h ले लीजिए कॉमन, h कॉमन ले लेते हैं, तो क्या क्या बना आपका, ये हो गया -h², ये हुआ -3x² और ये बना आपका -3xh। और नीचे आपका क्या है, मैंने बताया था h तो होता ही है, इसके बाद h तो होता ही है, ये हो गया कैंसिल राइट। अब ये हो गया, लेकिन नीचे आपको याद होगा कि ये तो है ही, अभी भी विद्यमान है, ये x³ और x + h होल क्यूब, ये तो था ही ना, हमने तो केवल अभी यहां तक बताया, ये वाला ऊपर वाला किया है। चलिए अब लगाते हैं h इक्वल जीरो, लिमिट है h टेंड्स टू जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ऊपर आपका क्या बन रहा है, -3x² बन रहा है केवल, नीचे x³ और ये x + 0 का होल क्यूब, यानी कि x³ कितना हो गया, x⁻⁶। अब इसको ऊपर ले आइए, ये x⁻⁶ बनेगा, ये 2 और -6 जुड़ जाएंगे, यानी x⁻⁴, ये -3 है, ये हो जाएगा x⁻⁴, ये इसका उत्तर है। अगला ये जो सवाल है ये है NCERT का सवाल, ध्यान रखिएगा, और इसमें fx जो दिया है आपको दिया हुआ है x² + 1 by x। तो इसमें भी यही करेंगे, x + h का होल स्क्वायर प्लस 1/x + h, जहां जहां x दिख रहा है वहां x + h कर दीजिए, बाकी ये जो है इसको यहां बिल्कुल उतार लीजिए, दूसरा टर्म बिल्कुल सेम यही होगा, बाय h है, डिवाइडेड बाय h है, मैं भी लिख नहीं रहा हूं, मैं बाद में लूंगा उसको। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो पहले इसको खोल लीजिए, बेटर ये रहेगा, इसको खोल लीजिए, तो ये होगा a² + b² + 2ab + 1। और अब मैं इसको खोल के इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को x + h और x² + 1, नीचे आपका क्या आ गया, x + h, ये आएगा x², ये x³ आएगा, यहां देखिएगा ये x², ये आएगा ये आपका x × 2xh, यानी कि 2x²h, ये हो गया, ये x × 1x हो गया, ये सारा जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, x³ + x + hx² + h ठीक। इसको ये जो है ना, इसको आप नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव में सारा नेगेटिव में, ये ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, सारा नेगेटिव में आएगा, देखिए -x³, ये -h, ये -hx² और ये -x ठीक, -x हो गया, यहां तक ठीक है आपका, ओके। अब यहां पर आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, x³ से कैंसिल, क्लियर, ये 2x² h और -x² h क्या हो गया, x² h, तो इसको x² h लिख दीजिए, ये दोनों चले गए। अब इसमें x से x कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो केवल h आपका, ये h बचा है, x से x कैंसिल, x³ से x³ कैंसिल, ये 2x² h और ये x² h में एक x² h बचा, ये आपका 2x² h बचा और h² x जो है वो यहां पर एक हो गया और -x बचा, यहां तक क्लियर है, ओके। अब आप देखिए ये जो टर्म आया है इससे मैं ले रहा हूं x कॉमन,
एच कॉमन, तो एच आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस वन। आपको मैंने बताया था इसके नीचे एच तो होता ही हमेशा जब लिमिट लगाते हैं, मतलब जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं। अब मैं एच का इस्तेमाल करता हूँ, हमेशा मैं एच का आखिरी में इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप मान के चलिएगा कि एच है यहाँ पे, तो एच यहाँ ले लिया हमने, ये दोनों कैंसिल हो गया। नीचे क्या था, ये नीचे ये एक्स इंटू एक्स प्लस एच तो चली रहा है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया ये वाला, तो एक्स एक्स प्लस एच। अब लगा दीजिए एच इक्वल जीरो, ये जीरो ये भी जीरो, ऊपर क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे का एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, जो क्वेश्चन है उसमें एफ एक्स दिया हुआ है, यहां पर देखिएगा ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स, तो ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल हो गया पिछला वाला, तो मैं उसको यही बता देता हूं आपको, सेम चीज है। आप देखिए एफ एक्स प्लस एच यानी कि एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स प्लस एच, और ये तो यहां डायरेक्ट रखते हैं, डिवाइडेड बाय एच है, इसको बाद में यूज करिएगा, इसको पहले खोल देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स, जैसे पिछले सवाल बिल्कुल सेम सवाल है पिछला वाला, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर और ये माइनस वन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, मतलब एलसीएम ले रहे हैं बेसिकली। तो ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू टू टू एक्स एच यानी कि टू एक्स स्क्वायर एच, ये एक्स इंटू एच स्क्वायर और ये माइनस एक्स, ये बन गया। यहाँ पर आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और उसका नेगेटिव साइन लगाइए, ये आ जाएगा। नीचे आपका ये एच है, एक्स प्लस एच है, एक्स है, ये तीनों आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, और टू एक्स स्क्वायर एच और माइनस एक्स स्क्वायर एच में एक बचेगा, और ये तो खैर है ही। इसमें क्या करेंगे, अब इससे एच कॉमन ले लेंगे, एच यहाँ पर एच हट गया, यहाँ एच हट गया, यहाँ से केवल एच बचेगा, और नीचे से जो एच है वो हट जाएगा यहाँ से। तो आपका क्या बना, एच से अब कॉमन लिया, यहाँ पर बेसिकली अभी एच है, जब एच कॉमन लेंगे तब यहाँ से हटेगा। तो आपका बना एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स प्लस एच, इसको जीरो कर दीजिए केवल एक्स स्क्वायर प्लस वन बनेगा, इसको जीरो कर दीजिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, ऐसे आएगा। सिक्स है आपका एक्स प्लस वन, जो एफ एक्स है वो दिया है आपको, ये सारा पहला ही सवाल चल रहा है, एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू। ओके, तो इसको भी यही बता देते हैं वरना टाइम ज्यादा चला जाएगा अपना, आप समझ तो गए हैं कैसे करना ना। एक्स प्लस एच प्लस वन, एक्स प्लस एच प्लस टू यहां रखिए, माइनस एफ एक्स देखिए माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू, ठीक, और डिवाइडेड बाय एच। तो आपको क्या करना है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये होगा एक्स प्लस एच प्लस वन और एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, एक्स प्लस एच प्लस टू प्लस एक्स और इंटू एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे लेकिन नेगेटिव में आएगा ये ना, तो सारे मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव में आप ओपन कर दीजिए। नीचे तो आपका एक्स प्लस टू एक्स प्लस एच प्लस टू और एच है ही, जब आप ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, एच एक्स कैंसिल हो रहा है, यानी ऑलमोस्ट सारा कुछ कैंसिल हो जा रहा है, केवल इसको टू एच देखिए टू एच माइनस एच टू एच माइनस एच बच रहा है, देखिए टू से टू कैंसिल हो रहा है, माइनस टू एक्स टू एक्स कैंसिल हो रहा है, सारा कुछ कैंसिल हो जा रहा है, ओनली आपका एक चीज बच रही है टू एच माइनस एच यानी कि एच बच रहा होगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि नीचे एच है ही और बाकी ये दोनों टर्म है, एच से एच हटा दीजिए। आपको क्या करना है, ये एच से एच हट गया, अब इस एच को जीरो कर दीजिए, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर हो गया, मैं एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट है आपका सेम सवाल है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ऐसे करना है इसको, बस ये सवाल जो है थोड़ा सा चेंज है, ऐसे काफी सवाल आने वाले हैं। एक्स प्लस टू बाय थ्री एक्स प्लस फाइव, मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ से रिलेट कर सके कि यहाँ पर आपको रखना है एक्स प्लस एच करके और यहाँ आपको रखना है डायरेक्ट और डिवाइडेड बाय एच करना है और लिमिट लगा देना एच टेंड्स टू जीरो। तो आ जाइए यहाँ पर एक्स प्लस एच प्लस टू एक्स प्लस एच प्लस टू और ये थ्री एक्स प्लस एच बाय थ्री इंटू एक्स प्लस एच प्लस फाइव, यहाँ पर एक्स प्लस टू बाय थ्री एक्स प्लस फाइव आया, इसको इससे और इसको इससे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, दोनों को ये तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं हम और एच नीचे आए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके ओपन कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ओपन कर दीजिए, सारे साइन नेगेटिव कर दीजिए क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। अब आपको बस ये देखना है कि सारे कैंसिल हो रहे हैं, अगर आप देखें ये थ्री एक्स स्क्वायर से कैंसिल, थ्री एक्स एच से कैंसिल, फाइव एक्स से कैंसिल, सिक्स एक्स से कैंसिल, टेन टेन से कैंसिल, बचता क्या है केवल ये फाइव एच माइनस सिक्स एच यानी माइनस एच आएगा, केवल माइनस एच बचा। अब इस एच को हटा दीजिए इस एच से तो माइनस वन बचा ऊपर और यहाँ पर नीचे लिमिट लगा दीजिए ये जीरो, तो थ्री एक्स प्लस फाइव इंटू थ्री एक्स प्लस फाइव यानी कि थ्री एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर,
ऊपर नेगेटिव वन ये हो गया और थ्री एक्स फाइव प्लस आई का होल स्क्वायर। आठवां है फर्स्ट का, इसमें आपका है एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स आपका दिया हुआ है के एक्स की पावर एन। इसमें क्या करना है, के एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस के एक्स की पावर एन बाय एच। तो इस के को तो बाहर ले ही लीजिए आप और एच को भी अभी भूल जाइए, तो के बाय एच को हम बाद में यूज करेंगे, अभी हम इसको डील करते हैं। एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन, और आप देखें नीचे आपका ये एच है, सॉरी एच है, तो एच को भी यही यूटिलाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमको इसको फॉर्मूला बनाना है। कैसे, एच है ना, तो एच को लिख सकते हैं एक्स प्लस एच माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका ऐसा आया एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ऐसे लिख दीजिए। अभी क्या हुआ, एक्स की पावर मतलब जो फॉर्मूला है हमारे पास एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाय एक्स माइनस ए, ये क्या होता है एन एक्स की पावर एन ए की पावर एन माइनस वन होता है ना, बस यहीं पे लगा दीजिए एक्स प्लस एच की माइनस एक्स की पावर एन और ये एक्स प्लस एच की पावर वन एक्स की पावर वन। तो एन एन यहां पर एन क्या, ये एन ये है आपका ए, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये है, तो ये एक्स की पावर ए की पावर एन माइनस वन, ये हो गया के तो था ही आपका, ये एच हमने यूटिलाइज कर लिया ना यहां पर इसको बनाने के लिए, तो के के एन की पावर एक्स एन के एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, फिर आपका हुआ वन बाय अंडर रूट थ्री माइनस एक्स। जहां पर ऐसे सवाल आते हैं आपको पता है कि भाई हमें क्या करना है, थ्री माइनस एक्स ये करना क्या है, इसमें आर एफ लगाना है, तो यहां पर भी इसको यही बता देता हूं मैं आपको। देखिए जहां जहां आप x देख रहे हैं वहां x प्लस एच रख दीजिए, यानी कि वन बाय अंडर रूट थ्री, यहां पर x प्लस एच रखेंगे क्योंकि माइनस में है, थ्री माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन बाय वो सेम फंक्शन यहां पर उतार के रख दीजिए, डिवाइड बाय एच है, एच को बाद में डील करिएगा, पहले ये आएगा रूट अंडर रूट थ्री माइनस एक्स, ये आएगा अंडर रूट थ्री माइनस एक्स माइनस एच, और नीचे आएगा अंडर रूट थ्री माइनस एक्स माइनस एच और अंडर रूट थ्री माइनस एच जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर एफ से, देखिए ये ए मान लीजिए ये बी मान लीजिए, तो ए माइनस बी है ना, तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करिए, करने का मतलब ए माइनस बी है तो ऊपर नीचे ए प्लस बी है, सेम टर्म विथ प्लस साइन, सेम टर्म प्लस पॉजिटिव साइन से, तो ये प्लस ए प्लस, अब देखें ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस एच, थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री, अब ये माइनस है क्योंकि माइनस माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस एच है तो उसको हमने ओपन कर दिया नेगेटिव को, तो माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस एच आ गया। नीचे आपका ये जो इंट्रोड्यूस किया था आपने वो तो यहाँ पर है ही, और ये जो चीज ये जो टर्म है ये भी है ही, इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, उसका कारण क्या है कि सब इनमें सब में हमको एच जीरो रखना है, बस आगे चल के ध्यान रखें कि यहाँ पर तीन से तीन गया, एक्स से एक्स गया, केवल एच बचा, लेकिन एच तो अपने पास है ही, तो ये एच और ये एच भी चला गया, केवल आपको ये डिनोमिनेटर बचा यहां से आता है। जब आपका डिनोमिनेटर बचा तो आपको करना क्या है, इसको आपको एच को जीरो रख दीजिए, यहां एच को जीरो रख दीजिए, तो ये अंडर रूट थ्री माइनस एक्स, अंडर रूट थ्री माइनस एक्स, रूट थ्री माइनस एक्स थ्रू माइनस एक्स क्या होगा, रूट थ्री माइनस एक्स स्क्वायर, तो केवल थ्री माइनस एक्स आएगा, तो थ्री माइनस एक्स इसका आ गया। अब यहाँ आइए, अंदर आइए, यहाँ पर है रूट थ्री माइनस एक्स और ये एक्स जीरो कर दिया, तो ये भी रूट थ्री माइनस एक्स, रूट थ्री माइनस एक्स रूट थ्री माइनस एक्स क्या हो गया, टू रूट थ्री माइनस एक्स, टू रूट थ्री माइनस एक्स आ गया। ओके, वन बाय थ्री माइनस एक्स, टू रूट थ्री माइनस एक्स, अब इसको आप मान के चलिए कि ये वन है, ये टू यहाँ ले लिया मैंने, ये थ्री माइनस एक्स आपका एक्स ही ले लीजिए, एक्स मान के चलिए, तो एक्स और ये रूट थ्री माइनस एक्स है, इसको रूट एक्स मान लीजिए, तो ये आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका पावर क्या आया था, एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू, याद है आपको, ये आपको एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू है, यहाँ पर एक्स है थ्री माइनस एक्स, तो आप इसको हाफ थ्री माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू ऐसे लिख सकते हैं, माइनस थ्री बाई टू, या नीचे रखना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वन बाई टू थ्री माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू ऐसे भी रख सकते हैं, ये इसका उत्तर आ जाएगा। इसमें दसवां सवाल जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ये आपका एफ एक्स है, तो क्या करेंगे एक्स प्लस मतलब यहां पर एक्स प्लस एच करके एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच प्लस थ्री, और फिर डायरेक्ट ये टर्म लिख देंगे दिस माइनस दिस बाय एच, इसको खोल लीजिए, तो आप देखेंगे जब इस ए प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से इसको खोलिए, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल बहुत ईजी सवाल है, इसलिए फटाफट बता रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपका एक्स एक्स कैंसिल, तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा एच स्क्वायर यहाँ बनेगा, ये टू एक्स एच है
और यहां पर एच आएगा केवल, है ना। तो ये जब बनाओ तो इसमें से एच कॉमन ले लीजिए आप, तो एच कॉमन लेंगे तो यहाँ एच बचेगा, यहाँ टू एक्स बचेगा, यहाँ पर वन बचेगा। एच एच को कैंसिल कर दीजिए, एच प्लस टू एक्स प्लस वन बचा, यहाँ पर एच को जीरो कर दीजिए आप लिमिट लगा के, तो टू एक्स प्लस वन आएगा इसका। इसमें जो ग्यारहवा है इसमें एक्स प्लस टू का होल क्यूब है, एक्स प्लस टू का होल क्यूब। तो इसमें आपको पता है फिर फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं हमको ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले तो बता दूं कि ये बना कैसे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, यानी एक्स प्लस एच प्लस टू होल क्यूब माइनस ये पूरा टर्म ये यहीं पे आएगा, एक्स प्लस टू होल क्यूब बाय टू। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक, ये आप लगा सकते हैं। या फिर और क्या कर सकते हैं आप इसमें, और कोई तरीका है नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है राइट। यहां पर किया है ए माइनस बी ए स्क्वायर, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो देखिए बना ए माइनस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसी क्या है ए और बी लेके चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इससे क्या बना, ये इससे तो टू और टू कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, केवल एच बचा। तो इससे बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा कि ये एच हमारा नीचे है ही, ये वाला, ये और ये तो कैंसिल हो गया, केवल ये बचता है। इसमें कुछ नहीं करना आपको ना, ये पूरा टर्म लीजिए, कुछ मत करिए, इसको जीरो रख दीजिए, ये एक्स प्लस टू होल स्क्वायर आ गया, प्लस इसको जीरो रख दीजिए, ये एक्स प्लस टू होल स्क्वायर आ गया, ये एक्स प्लस टू होल स्क्वायर है ही, कितना हो गया, एक दो तीन, थ्री एक्स प्लस टू होल स्क्वायर हो गया, यही उत्तर है इसका। बारहवां सवाल है, इसमें आपको कहा गया है एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। बस पहले x प्लस एच रखिए, यहां पर टर्म आ गया, फिर यही सेम टर्म रखिए माइनस कर दीजिए। अब इसको थोड़ा ओपन करना पड़ेगा आपको ना, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही, a प्लस बी होल क्यूब का यहां खोल दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर का यहां खोल दिया, ये यहां से आधा, और 3x प्लस एच ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और यहां पर 2 है, ये माइनस जो है इसको ओपन कर दीजिए। अब आप देखेंगे इसमें बहुत सारे कैंसिलेशन हो रहे हैं, ठीक, जो जो कैंसिल हो रहा है, जैसे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल कर दिया, अब आपका माइनस टू कॉन्स्टेंट टर्म ढूंढ लीजिए इसमें, तो टू से ये माइनस टू चला गया, आपका और भी कोई कॉन्स्टेंट टर्म है इसमें, चलिए देखते हैं इसे। ये थ्री एक्स स्क्वायर एच आ गया यहाँ पे, मतलब ये हो गया, ये थ्री एक्स एच स्क्वायर यहाँ आ गया, एच क्यूब यहाँ आ गया, फोर एच स्क्वायर यहाँ आ गया, एट एक्स एच यहाँ आ गया, थ्री एच यहाँ आ गया, और उसके बाद कौन कौन से हमारे टर्म हो रहे हैं, ये सारे टर्म आ गए, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल कर दिया, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल कर दिया, माइनस थ्री एक्स से ये कैंसिल हो गया, ठीक, तो आपका बना गया यहाँ पर प्लस टू है, और यहाँ भी कॉन्स्टेंट टर्म तो नहीं बन रहा है, यहाँ पर टू है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा ये थ्री एक्स स्क्वायर एच, थ्री एक्स एच मतलब थ्री एक्स एच स्क्वायर, ये एच क्यूब, फोर एच, एट एक्स और थ्री एच, तो ये जो टू है ना ये यहाँ नहीं है, क्योंकि टू टू कैंसिल हो चुका है। अब आप देखिए इन सब से एच कॉमन ले लीजिए, एच कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, मैंने सबका बता दिया, और जब एच कॉमन लेंगे तो एच एच कैंसिल होगा, तो ये बचेगा केवल, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जब लिमिट लगाएंगे थ्री एक्स स्क्वायर, एट एक्स और थ्री, यही बचेगा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस फाइव, तो इसको पहले ऐसी करने की जगह ना आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस फाइव को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव आएगा। बस यहाँ पर हर जगह पे एक्स, ये बेसिकली एफ एक्स ये दिया हुआ है, यहाँ से फिर लिख देता हूँ, एफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस फाइव, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब यहाँ हर जगह एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दीजिए, और ये रख दिया एक्स प्लस एच, माइनस करिए इस टर्म को, पूरे टर्म को डिवाइडेड बाय एच, इसमें वही काम करना है, कर लेंगे ना, एक्स प्लस ए प्लस बी होल क्यूब खोलिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर खोलिए, और ये इसको नेगेटिव को बाहर जब निकालेंगे तो पॉजिटिव, सारे नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब तो सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। जब ये करेंगे तो जो जो आपको टर्म दिख रहे हैं वो कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको सारे एच वाले टर्म मिलेंगे, एच कॉमन ले लीजिए, एच से कैंसिल कर लीजिए, जब ये टर्म होगा तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, केवल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस वन आएगा। 14th क्वेश्चन है आपका अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें करना क्या है, एफ एक्स आपको बता देता हूं,
एफ एक्स है आपका अंडर रूट 2x2 + 1, बस 2x + h का होल स्क्वायर प्लस 1 ये अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2x2 + 1 मतलब सेम टर्म और डिवाइडेड बाय h। इसमें क्या करना है, पहले h को भूल जाइए, ये a माइनस b है ना, मान लीजिए a है या b है, a माइनस b, तो a प्लस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रैशनलाइजेशन फैक्टर है। तो जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए ये a माइनस b है ना, तो a प्लस b से मल्टीप्लाई कर दिया, आप देखिए ये a माइनस b है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इनका रूट हटा दीजिए, इनका रूट हटा के डायरेक्ट लिख दीजिए, और ये माइनस है तो 2x2 और ये 1 दोनों ही नेगेटिव में हो जाएंगे। नीचे आपका h है ही, यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी आप देखिएगा बहुत आसानी से हो जाएगा। ऊपर पे ध्यान देते हैं, 2x2 का कैंसिल और 2h2 1 से 1 कैंसिल, तो 2h2 प्लस 4xh बना, इन दोनों से आप h कॉमन ले लीजिए, h कॉमन लेंगे, यहाँ से 2h रहेगा, यहाँ से 4x रहेगा, ये h क्यों कॉमन लिया, क्योंकि नीचे h ऑलरेडी है, h कैंसिल, अब ये जो आपका बना 2h प्लस 4x डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस, अब आप देखें इसमें बहुत आसान है, इसको जीरो कर दीजिए, लिमिट लगा के इसको जीरो कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए, क्या बचता है, ये ऊपर 4x आया, नीचे क्या है, अंडर रूट 2x2 + 1 और अंडर रूट 2x2 + 1, अंडर रूट 2x2 + 1 और 2x2 + 1 क्या होता है, 2 अंडर रूट 2x2 + 1 होगा, और ऊपर क्या है, 4x है, 2x बाय अंडर रूट 2x2 + 1 आएगा। अगला है 15वां सवाल, हम ये पहला एक्सरसाइज 30.2 का पहला ही सवाल कर रहे हैं, अभी उसके 15 सवाल हैं वो कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि बीच में ना छोड़ू पूरा, कम से कम पहला सवाल तो हम कर ही लें। यहां पर है आपका 2x + 3 / x - 2, तो करना क्या है, इसी जगह x प्लस एच रखिए, इसकी जगह x प्लस एच रखिए, यहां रखिए माइनस करके, आप यही टर्म यहां पर रख दीजिए और डिवाइडेड बाय एच, आपको करना क्या है, यहां इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए इससे मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए माइनस में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे रख दीजिए। अब इसको ओपन करिए, इसको ओपन करिए, और फिर उसके बाद ओपन करके इसका जो नेगेटिव साइन है, जो भी यहां पर टर्म आएगा उसके साइन चेंज करके खोल दीजिए इसको। जब हम खोल देंगे तो बहुत सारे टर्म हमारे सारे ऑलमोस्ट सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल आपको जो एच है ना, ये माइनस 4h, इसको ध्यान से देखिएगा, और माइनस 4h और माइनस 3h यही बचेगा, बाकी देखिए सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सब कैंसिल हो गए, 6 से कैंसिल, माइनस 4h और माइनस 3h आपका माइनस 7h बन रहा है। नीचे आपका h है, x प्लस h, ये तो दोनों मल्टीप्लाई किए थे तो ये आए, ये आ गया। अब आप देखिए h से h कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप जीरो कर दीजिए, जो x - 2 x - 2, तो माइनस 7 ऊपर है, x - 2 x - 2 x - 2 होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, और इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए आपको ये समझना जरूरी होता है कि हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो यह है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, तो जहां जहां जैसे e की पावर x है, e की पावर माइनस x है, वैसे कर देता हूं अभी इसको, तो ये जहां जहां x आप देख रहे हैं वहां x प्लस h रखेंगे, जहां पर ये एफ एक्स की जगह सीधा ये उठा के रख देंगे, डिवाइड बाय h करेंगे, कोशिश करेंगे किसी तरीके से h एलिमिनेट हो जाए, h खत्म हो जाए, या फिर आप h को लेके कोई एक ऐसा इक्वेशन बना दें जो आपके लिए फायदेमंद हो, राइट। चलिए एफ एक्स प्लस h मैं बता देता हूं, एफ एक्स आपका e की पावर माइनस x है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर e की पावर x प्लस h करिए, तो e की पावर माइनस x प्लस h, x की जगह x प्लस h रखना है, माइनस द खैर e की पावर माइनस x ही आ जाएगा बाय h, ऊपर का देख रहे हैं अभी, e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस h, माइनस e की पावर माइनस x, आप जानते हैं e की पावर m प्लस n अगर होगा तो e की पावर m, e की पावर n लिख सकते हैं इसको, तो ये हमने यहाँ पर किया है, और डिवाइडेड बाय h है, e की पावर माइनस x कॉमन ले लीजिए, e की पावर माइनस एच माइनस 1 बना, ये आपका h है, आपको कोशिश करनी है यहाँ माइनस ले आए ताकि हमको ये मिल जाए, दोनों एक जैसे मिल जाए, तो ये माइनस अगर हमने किया है तो आप यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 1 से, अब यहाँ लगा दीजिए आप लिमिट इस जगह पे, क्योंकि इसके लिए x तो कांस्टेंट ही है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कर दीजिए। अब जानते हैं e की पावर x या जो भी e की पावर y माइनस y 1 बाय y लिमिट y टेंड्स टू 0 ये होता है 1, ये पूरा हो गया आपका 1, क्या बचा, ये माइनस यहाँ ले आइए, माइनस e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया इसका उत्तर। सेकंड है डी बाई डी एक्स एफ एक्स, और यहाँ पर है आपका e की पावर 3x, मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन है सारे e की पावर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, या a की पावर से है,
तो आपके पास एफ एक्स मिला हुआ है e की पावर 3x, ऐसे ही करना है इसको, एफ एक्स प्लस एच यानी कि x की जगह x प्लस एच रख दीजिए, e की पावर 3x प्लस एच माइनस e की पावर ये 3x, बाय एच है ही आपका, लिमिट h टेंड्स टू जीरो ये हम लगाएंगे जब जरूरत होगी। इसको देखिएगा न्यूमरेटर बता रहा हूँ, e की पावर 3x, e की पावर 3 है जैसे अभी हमने किया था, e की पावर 3x, e की पावर 3x कॉमन ले लीजिए आप, बनेगा e की पावर 3h माइनस 1, नीचे एच है ही, आपको ये चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई करिए यहाँ और 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर लगाइए लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये पूरा कितना बन गया 1, पूरा 1 होता है, e की पावर थीटा माइनस 1 बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो ये 1 होता है, तो ये 1 हो गया, केवल 3 e की पावर 3x बचा। तीसरा है ये डी बाई डी एक्स और एफ एक्स, इसमें आपका एफ एक्स दिया है ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो एफ एक्स प्लस एच ई की पावर, पहले बता दूं आपको एफ एक्स है आपका ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो ये लिखेंगे ई ए एक्स की जगह एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर ए एक्स प्लस बी बाय, मैंने क्या किया, हाँ यहाँ पर बी भी है, x की जगह x प्लस एच रखेंगे यहाँ पर, ये ऐसे रहेगा और बाय h कर दीजिए, ऊपर वाला ले रहे हैं अभी, ऊपर वाला कैसे होगा देखिएगा, ये बनेगा आपका e की पावर, ये क्या बनेगा ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, ऐसा बना ना, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच, ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस e की पावर ए एक्स प्लस बी, तो ये बनेगा, h अभी नहीं ले रहा हूँ बाद में लेता हूँ, e की पावर इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी डॉट e की पावर ए एच माइनस e की पावर ए एक्स प्लस बी, क्या करेंगे e की पावर ए एक्स प्लस बी, e की पावर ए एक्स प्लस बी कॉमन ले लीजिए, e की पावर ए एक्स प्लस बी यहाँ पर आ गया, यहाँ हो गया, यहाँ क्या बचा आपका अंदर e की पावर ए एच माइनस 1, नीचे आपका h ऑलरेडी है ये वाला, यहाँ लगा लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लेकिन आपको ये दोनों एक जैसा करना पड़ेगा, तो a से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका 1 हो जाएगा, यहाँ आया a e की पावर ए एक्स प्लस बी, बन गया। फोर्थ है, इसमें दिया है एफ एक्स आपके पास है x e की पावर x, फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे x प्लस एच करिए जहां जहां x है, e की पावर x प्लस एच माइनस ये डायरेक्ट लिख देंगे x e की पावर x बाय एच लिमिट h टेंस टू 0, ये बनेगा जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे मैं न्यूमरेटर बता रहा हूँ आपको, पहले आप x प्लस एच रखिए इसको, इसको लिख सकते हैं आप e की पावर x और e की पावर h, ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस x e की पावर x, तो अभी कॉमन लेने के लिए आप e की पावर x अपने कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो ले लीजिए चाहे तो नहीं लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे अगर मान लीजिए मैं e की पावर x में कॉमन लेता हूँ, क्या मिलता है, जैसे एक रन, एक हम टेस्ट रन ले लें, e की पावर x हम लेंगे तो यहाँ बनेगा x प्लस एच डॉट e की पावर h माइनस, हमने e की पावर x कॉमन लिया तो फिर भी x e की पावर x बाकी रह गए यहाँ पर, तो बेटर ये होगा कि हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, तब बेटर रहेगा, फिर हम देखें क्या कॉमन हो सकता है, तो यह होगा x e की पावर x e की पावर h, इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस h e की पावर x e की पावर h माइनस एक्स ई की पावर एक्स, बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसको लीजिए आप ये दोनों को और इसको अलग छोड़ दीजिए, इससे क्या फ़ायदा होगा बताता हूँ आपको, इसमें पहले एक्स ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए इन दोनों से, एक्स की पावर एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा ई की पावर एच माइनस 1 और प्लस एच ई की पावर एक्स ई की पावर एच, अब आप देखिए एच तो था ही नीचे, मैंने कहा था इसको बाद में डील करेंगे, तो यहाँ एच कर लीजिए, यहाँ एच कर लीजिए, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय एच, इससे एच एच कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे एच टेंस टू जीरो, तो ई की पावर एच माइनस 1 बाय ई की पावर एच माइनस 1 बाय एच तो 1 ही होता है, यहाँ केवल एक्स ई की पावर एक्स बचेगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर एच एच काट दिया आपने, ये ई की पावर एक्स रहेगा, अब यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए इसके साथ, लिमिट एच टेंस टू 0, ई की पावर 0 के 0 क्या होता है, किसी की पावर भी 0, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 1 ही होती है, ये एक्स की ई के लिए की पावर एक्स बचा, अब इनसे आप चाहो तो ए की पावर एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1, ये इसका उत्तर है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे रहने दो तो भी चलेगा। पांचवा सवाल है, इसमें क्या करेंगे,
ये दिया है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एफ एक्स इसमें दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो यही करना है बस आपको, इसमें कोई ज्यादा चीजें है नहीं। तो मैं पहले इसका फर्स्ट प्रिंसिपल बना देता हूं, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस एच, जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच रख दिया बस, यहां आएगा आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। इसमें भी यही करेंगे, पहले इसको खोल देते हैं फिर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो ये एक्स प्लस एच होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स ई की पावर एच, ऐसे लिख दीजिए। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ई की पावर एच प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, एच स्क्वायर ई की पावर एक्स ई की पावर एच, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, टू एक्स एच ई की पावर एक्स ई की पावर एच, और ये तो आपका ही माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, क्योंकि आपको ई की पावर एच माइनस वन बाय एच इस तरीके से कुछ चाहिए होगा अगर आपको सॉल्व करना है इसको। तो सबसे बेटर तरीका ही है कि एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एच, ये और साथ में एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये कॉमन ले लीजिए, तो इससे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स आप बाहर ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स आप लेंगे क्या बनेगा, ई की पावर एच यहाँ माइनस वन है ये आ गया बाय एच, क्यों एच, क्योंकि एच चला ही जा रहा है, इसके नीचे ये जो था ना, इसके नीचे एच तो था ही, एच आ गया, ये दोनों हो गए, यहाँ पर आइए प्लस एच स्क्वायर ई की पावर एक्स ई की पावर एच, उसके नीचे एच है आपका प्लस, ये आपका आ गया टू एक्स एच ई की पावर एक्स ई की पावर एच, उसके नीचे नीचे एच, तो ये तो लिमिट लगाएंगे वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स आया प्लस, ये एच से एच कैंसिल हो गया लेकिन एक एच बचा, तो यहाँ लिमिट लगाएंगे एच जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ से एच और एच काट दीजिए, क्या बचा आपका टू एक्स ई की पावर एक्स, केवल टू एक्स ई की पावर एक्स, और यहाँ पर ई की पावर एक्स है ई की पावर एच भी है, तो ई की पावर एच में अगर आप यहाँ पर जीरो लगाएंगे मतलब लिमिट लगाएंगे तो ई की पावर जीरो हो जाएगा वन, तो ये वन ही हो जाएगा, क्या लिए बचा, तो यहाँ पर आप ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, राइट। तो ये आपका हो गया, ये फाइनल आंसर है। ये है छठवां सवाल, मतलब सेकंड का सिक्स्थ पार्ट है, इसमें आपको एफ एक्स दिया हुआ है ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस वन, हम क्या करेंगे एफ एक्स प्लस एच बनाते हैं, ई की पावर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन, और माइनस ये डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एच है, उसको बाद में लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, आप समझ रहे हैं ना, ये डिवाइडेड बाय एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिख देता हूँ, अगली बार इसको ध्यान रखिएगा, पहले हम ऊपर वाले को डील करेंगे। तो आपको बन गया e की पावर x प्लस एच का होल स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस वन है ही, तो साथ में वन जोड़ दे, माइनस ई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इस पर क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं, हमको ई एक्स स्क्वायर प्लस वन चाहिए राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को पहले अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया, ये हमने ले लिया, अब बनेगा यहाँ पर इंटू ई की पावर एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच, तो ये एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच जो बचा इसमें मैं एच ऑलरेडी कॉमन ले लेता हूँ, मतलब केवल एच प्लस टू एक्स अंदर रहेगा, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें एच स्क्वायर प्लस टू एक्स टू एक्स एच में एच कॉमन ले लेते हैं, ये एच हो गया और यहाँ हो जाएगा एच प्लस टू एक्स, ये ठीक है, ये दोनों बन गया माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें देखिए ई एक्स स्क्वायर प्लस वन ई के एक्स स्क्वायर प्लस वन बन गया, तो ई एक्स स्क्वायर प्लस वन को तो आप बाहर ले लीजिए, अंदर क्या आया ई की पावर एच एच प्लस टू एक्स, ठीक, और माइनस वन, ये जब कॉमन लेंगे तो माइनस वन बचेगा, और अब मैं आज एच को लेके आ रहा हूँ जो एच था ना इसको, तो इसको तो भूल जाइए, तो कॉन्स्टेंट ही दिख रहा है एक तरीके से, यहां पर आपको एच एच प्लस टू एक्स चाहिए, एच एच प्लस टू एक्स, तो यहां पर एच ऑलरेडी है, एच प्लस टू एक्स चाहिए आपको, तो एच प्लस टू एक्स यहाँ हो गया, तो एच प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्या बना ई की पावर थीटा माइनस वन, ये पूरा थीटा है और लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो हो जाएगा वन, क्या बना आपका ये पूरा वन बन जाएगा, लिमिट लगा रहा हूं इसमें ये पूरा पूरा हो जाएगा वन, तो आपका क्या आएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस वन
ये हो गया एक, और ये h प्लस टू एक्स, यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, h को जीरो कर दीजिए, 2x आया आपका, तो 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है सेवेंथ वाला, इसमें है e की पावर अंडर रूट 2x, fx आपको दिया हुआ है, e की पावर अंडर रूट 2x है, ये काम करना है, x की जगह x प्लस h कर दीजिए, fx प्लस h, यानी e की पावर अंडर रूट 2x प्लस h माइनस ई की पावर अंडर रूट 2x बाय h, लिमिट लगाएंगे, वो नहीं लगा रहा हूँ ना, मैं नीचे h लिख रहा हूँ ना लिमिट लगा रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सोल्यूशन तो यहाँ पर है ही, तो अप्रोच कैसे करना है वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपके पास ये आ गया, अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमको ये e की पावर अंडर रूट 2x मिल जाए, हमें ये चाहिए, तो अगर मैं इसमें e की पावर अंडर रूट 2x कॉमन लूँ तभी मेरा काम बनेगा नहीं, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका तरीका यही हो सकता है कि किसी तरीके से हम नीचे ऐसा लाएं और फिर अलग करें तो इससे कुछ सॉल्यूशन मिले। तो यहाँ पर आपका h है, अब इस h को यहीं शुरुआत में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये h है राइट, मैं 2h लिख रहा हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हो गया क्लियर है, 2 से तो h ही बच गया। यहाँ पर 2x से इसको ऐड किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट 2x से किया जा रहा है, क्यों ये क्यों किया, कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पर 2x प्लस ये 2x प्लस h है, ये है क्या 2x प्लस 2h, मुझे ये चाहिए, इसी तरीके से मैं 2x प्लस 2h लेके आया हूँ, ये तरीका है इसका। लेकिन ये आया कैसे, क्या हुआ होगा इसमें, आप देखिए ये अंडर रूट में है तभी भी काम बना नहीं, अब जब तक ये अंडर रूट में नहीं आएगा तब तक ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर ये अंडर रूट है कैसे अंडर रूट हो सकता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये 2x है इसको भी अंडर रूट करके स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि ये भी मिल जाएगा, तब जब स्क्वायर करेंगे बेसिकली 2 और रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये बनाओ किसका फॉर्मूला, अगर इसको a और b मान लिए तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना, बेसिकली a माइनस b a प्लस b बन जाएगा, ये a क्या है 2x प्लस अंडर रूट 2h ओके, और b हो गया आपका अंडर रूट 2x ठीक है। तो हम नीचे क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, 2 बाहर है ही, यहाँ पर अंदर आपका e की पावर अंडर रूट 2x प्लस 2h है राइट, और माइनस e की पावर अंडर रूट 2x है, ये तो चल ही रहा है, नीचे क्या आएगा ये इसको मैं लिख रहा हूँ, अंडर रूट 2x प्लस 2h माइनस अंडर रूट 2x, a माइनस b और a प्लस b, अंडर 2x प्लस 2h और यहां पर आएगा प्लस 2x। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको अलग से देखता हूं, अलग से मैं इसको बता रहा हूं आपको, इसको कैसे लेंगे, तो यहां पर अगर हम इसको बाय e अंडर रूट 2x से कॉमन लें तो क्या बनेगा, यहां दिखा रहा हूं e की पावर अंडर रूट 2x कॉमन ले तो क्या बनेगा, यहां तो माइनस 1 ही बनेगा क्योंकि बाहर ले लिया, यहां पर क्या बनेगा e की पावर अंडर रूट 2x प्लस 2h, नीचे की पावर अंडर रूट 2x ठीक। अब ये जो आ गया इसका मतलब ये है कि ये ऊपर जाना चाहिए क्योंकि x की पावर a बाय y की पावर a x की पावर b, ये होता है x की पावर a माइनस b, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर अंडर रूट 2h तो है ही 2x तो है ही, यहाँ बनेगा e की पावर अंडर रूट 2x प्लस 2h माइनस अंडर रूट 2x, ये हो गया माइनस 1 है ये, तो इसको इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकते हैं, तो यहीं पे हम लिख रहे हैं 2 चल रहा है अभी भी 2, ये हो जाएगा e की पावर ये क्या हमने लिया था अंडर रूट 2x, ये हो गया। अब आइए यहाँ पे इसको हम लिख रहे हैं e की पावर अंडर रूट 2x प्लस 2h ये वाला माइनस अंडर रूट 2x, ये हो गया। अब इन दोनों को इसके साथ नीचे ले लीजिए, इसको इस ये क्योंकि है ना, ये वाले को लीजिए इसके साथ तो क्या बना अंडर रूट, अच्छा एक और चीज, जब ये जब हमने बाहर लिया था माइनस बनाया था, माइनस बना रहा इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ माइनस बना रहा है ना इधर के, तो हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, इसको साथ इसको अलग लेंगे, इसके साथ अलग लेंगे, तो माइनस वन के साथ ये हो गया माइनस वन, इस पूरे को इसके साथ रखेंगे, ये हो गया अंडर रूट 2x प्लस 2h माइनस अंडर रूट 2x, ये हो गया, इतना हो गया यहाँ पर
इस पूरे को, ये जो हमने तब्दील किया इसको मैंने यहाँ रख दिया, अब ये इसको मान के चलिए ये इंटू वन बाई ए है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये मैं बाद में डील करूँगा इसको, अभी जस्ट डील करते हैं। पहले इसको देख लीजिए, ये टू ई की पावर अंडर रूट टू एक्स है। अब देखिए ई की पावर थीटा माइनस वन बाय थीटा, ये कैसा बन गया, ई की पावर थीटा माइनस वन बाय थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, तो वन हो गया। इस पूरे को आप एक्स मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, ये पूरा वन हो गया। तो यहाँ पर टू डॉट अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट टू एक्स आया। अब मैंने कहा था मैं इसको बाद में डील करूँगा, इसको डील करने की जरूरत कोई नहीं है, इसको लिमिट लगा के आप केवल एच को जीरो कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए। तो क्या बना, अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट टू एक्स, यानी कि नीचे आया वन बाय टू ऑफ अंडर रूट टू एक्स, टू टू कैंसिल, ई की पावर रूट एक्स रूट टू एक्स बाय रूट टू एक्स, ये इसका उत्तर है। ओके, एट्थ वाला है आपका ई की पावर अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसको मैं यही बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है, तो यही भी आपको बता देता हूँ, ई की पावर अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। तो चलिए पहले इसको एफ एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच करिए, तो ए इंटू एक्स प्लस एच यानी कि ए एक्स प्लस एच और ये बी, माइनस इसी को उठा के रख दीजिए यहाँ पर बाय एच। इसमें अब क्या करना है, देखिए इस एच को कैसे लिखेंगे ये तो बताना पड़ेगा, ये एच कैसे लिखेंगे, एच है यहाँ पर आप देख रहे हैं ए एच ए साथ में एच के, तो आप जो नीचे वाला ए है पहले इसको ए से मल्टीप्लाई करिए फिर ए से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, ये पूरा जो टर्म है इसको मैं के मान लेता हूँ, यहाँ के रखा हुआ है एच। अब आप क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी है तो ए एक्स अपने आप जोड़िए, ए एक्स घटा दीजिए, बी भी है तो बी जोड़ दीजिए, बी घटा दीजिए, क्लियर हो गया, मतलब ये माइनस अगर बाहर ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा। ये जो चीज़ ली है वो ये ऐसे ली है, ओके। अब यहाँ पर इस वाले में यहाँ से e अंडर रूट ए एक्स प्लस बी कॉमन ले लीजिए, जैसे अभी मैंने पिछला बताया था, ये कॉमन लेंगे तो ये तो वन बनेगा माइनस वन, इसके नीचे आ जाएगा e बाय अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ऊपर जाके माइनस होगा, तो आप देखेंगे इसके साथ ये पावर माइनस में आएगी, e की पावर दिस माइनस दिस, क्योंकि हमने जब e अंडर रूट ए एक्स प्लस बी बाहर लिया यहाँ तो वन आया, यहाँ पर तो इसके नीचे लिख रखना पड़ेगा ना, तो जो एक्स बाय ए बाय एक्स बाय बी, एक्स बाय ए माइनस बी होगा, ए है ये बी है, ये हो गया। चलिए अब ये अभी भी नहीं बन रहा है क्योंकि अंडर रूट में है, तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे, इसको अंडर रूट डालिए स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ इसका अंडर रूट डालिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये आ गया। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से ए माइनस बी ए प्लस बी रख दीजिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, इसको लीजिए इसके साथ और इसको इस पूरे को लीजिए इसके साथ, इसको वन के साथ, इसको मान के चलिए ऐसा है, इसको इसके साथ लीजिए, इसको इसके साथ लीजिए। अब इस पूरे को देखिएगा आप बहुत ध्यान से, ये जो है a इंटू ई अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ये बाहर चल रहा है, ये अपना अलग चल रहा है, यहाँ पर आइए, ये हो गया e की पावर थीटा बाय थीटा माइनस वन, ई की पावर x माइनस वन बाय एक्स, ई की पावर y माइनस वन बाय वाई, किसी भी तरह समझ लीजिए आप, ये पूरा कितना हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो वन, इसको भूल जाइए, यहाँ पर आइए, ये इसमें भी लिमिट लगाइए, h जीरो है, ए एक्स प्लस बी ये भी अंडर, ये भी एक्स प्लस बी, तो अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी है, मैंने कहा था ये तो चल ही रहा है, बस हो गया ए इंटू ई अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए ना ये वाला, तो इसमें आपको समझने में आसानी रहेगी। ओके, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इसमें है ए की पावर अंडर रूट एक्स, तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है ए की पावर अंडर रूट एक्स, इसको भी यही बताना पड़ेगा क्योंकि एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से सुनिए, एफ एक्स प्लस एच यानी ए की पावर अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस ए की पावर अंडर रूट एक्स बाय एच। अब आप देखिएगा इसमें सबसे पहले ए की पावर अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया था, ए की पावर अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ वन आएगा, यहाँ क्या बनेगा, ए की पावर, यहाँ दिखा देता हूँ इसको, थोड़ा बता देता हूँ कैसे है, ये ए अंडर रूट एक्स प्लस एच है, ये माइनस ए अंडर रूट एक्स है, और इसमें हम ए अंडर रूट एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, ए की पावर अंडर रूट एक्स प्लस एच बाय ए की पावर अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये पावर में है, ये बनेगा ए की पावर अंडर रूट एक्स, ये ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, ए की पावर
अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक, ये कैसे आया समझ में आ गया? नीचे जो आपका यहाँ पर एच है इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम हमारे पास ये सब चीज़ें आ रही है, तो एच को हम लिखना पड़ेगा एक्स प्लस जोड़िए माइनस कर दीजिए एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया। अब देखिए इस एक्स प्लस एच माइनस एक्स को लिखा, अब इसको अंडर रूट करिए क्योंकि अभी अंडर रूट में है, अंडर रूट करिए स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी अंडर रूट करिए स्क्वायर कर दीजिए, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए माइनस बी ए प्लस बी रखिए, ये एक्स प्लस एच अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स, ये हो गया एक्स प्लस एच और अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स यहाँ बन गया। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को ले लीजिए आप, ये कैसे बन गया, अगर इसको आप थीटा मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, तो ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स हो गया, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगा दीजिए, इसी तरह फॉर्मूला बन रहा है ना, ये क्या होता है लॉग ए बेस ई है, तो लॉग इसको आप पूरा लिखेंगे लॉग ए, ये आपका लॉग ए आ गया, ए अंडर रूट एक्स तो चल ही रहा था जो पहले हमने स्टार्टिंग में लिया था ये वाला, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या है एच को जीरो रखिए, इस पर केवल ये इंटू वन बाय ए, इसमें एच जीरो है, अंडर रूट एक्स की जगह टू अंडर रूट एक्स, तो इसकी जगह वन बाय टू अंडर रूट एक्स, ये इससे आया वन बाय लॉग ए और ये ए रूट एक्स, तो ये फॉर्मूला आंसर फाइनल आ गया ए अंडर रूट एक्स लॉग ए बाय टू अंडर रूट एक्स। टेंथ है आपका डी बाई डी एक्स एफ एक्स, एफ एक्स इसमें दिया हुआ है आपको थ्री की पावर एक्स स्क्वायर, तो आपको याद होगा हमने जो थ्री की पावर एक्स स्क्वायर इसी तरीके से हमने किया था एक सवाल यही इसी में कि ई की पावर कुछ हमने एक्स स्क्वायर वाला एक सॉल्व हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी पावर थी, तो इसको भी कुछ इस तरीके से रहेंगे, याद होगा आपको ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला किया था उसी तरीके से आएगा, इसको भी यही बताना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स प्लस करिए एक्स की जगह एक एक्स प्लस एच रखिए, तो थ्री की पावर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, क्लियर, और माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर बाय एच तो है, इसको खोल लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोल लीजिए, अब इसमें थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा है इसमें आप थ्री एक्स स्क्वायर ये पूरा बता रहा हूँ आपको, इसमें अगर आप थ्री एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो वन ही बचेगा माइनस वन, यहाँ से थ्री एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, बेसिकली अगर थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो इसके नीचे आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर बाय थ्री एक्स स्क्वायर आ रहा है, ऊपर जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये तो हटा दीजिए, अब थ्री की पावर टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एच कॉमन लीजिए इसको लिखिए एच प्लस टू एक्स, राइट, ये समझ में आ गया ना यहाँ तक, अब ये आ गया थ्री की पावर एच टू एक्स प्लस एच माइनस वन इस तरीके से आ गया, और आपने ये तो कॉमन लिया ही है थ्री एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ए की पावर एक्स बनाना है हमको, एच तो थी ये वाला एच तो है ही, तो यहाँ पर एच प्लस टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे और ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एच प्लस टू एक्स, आप देखिए ये बना इसको ए मान लीजिए और इसको एक्स मान लीजिए, क्या बना ए की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, इसी का वर्जन बन गया ना, तो ये पूरा आपका ए की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स का वर्जन बन गया, इसमें लिमिट लगाएंगे एच टेंस टू जीरो तो क्या बनेगा लॉग ए, लॉग ए क्या है ये थ्री बेसी है, यहाँ तक ठीक है, ये आपका बाहर काम कर ही रहा है थ्री एक्स एक्स का ये हमने बाहर ले लिया था, यहाँ पर आइए ये एच प्लस टू एक्स है, एच प्लस टू एक्स है तो एच को जीरो कर दीजिए टू एक्स ही आएगा, यहाँ पर टू एक्स कर दीजिए, यहाँ यहाँ बाहर ले लीजिए इसको टू एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर और ये लॉग बेसी थ्री, ये इसका उत्तर आ गया, ठीक। इसमें अब ये है तीसरा सवाल और तीसरे सवाल के भी सब पार्ट्स हैं, करीबन नौ सब पार्ट्स हैं, और ये देखिएगा कि इसमें साइन और कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज़्यादा है, करना हमें ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल से ही है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसके लिए यही काम चेक करेगा जो सिग्मा ये एफ एक्स है, सिग्मा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है, इसमें आप एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच करेंगे, ठीक, तो जो जो आपका फंक्शन होगा वहाँ पर आप एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख के यहाँ रख देंगे, वही फंक्शन को सीधा यहाँ रख देंगे डिवाइड बाय एच करेंगे, फिर कोशिश करेंगे किसी तरीके से एच एलिमिनेट हो,
तो आपको मैं यही बताऊंगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा है, लिखने में टाइम लगेगा। तो एफएक्स बता देता हूं आपको ये क्या है, जहां जहां जरूरत होगी मैं यहां पर बताऊंगा आपको। एफएक्स आपका है एक्स साइन एक्स। ये जो एक्स साइन एक्स है, अब इसको ध्यान से देखिए आप, हम क्या करेंगे कि एफएक्स प्लस एच, जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच कर दीजिए, जहां जहां एक्स है एक्स प्लस एच कर दीजिए, यहां लिख दीजिए, फिर इसी फंक्शन को यहां लिख दीजिए एच कर दीजिए नीचे एच। अब आप देखें ये साइन ए प्लस बी है, साइन एक्स प्लस एच साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला खोल दिया हमने। अब आप क्या करिए, एक्स से मल्टीप्लाई करिए एच से मल्टीप्लाई करिए दोनों, मतलब एक्स से इन दोनों को फिर एच से इन दोनों को यहां लिख दीजिए, और आपका एक्स साइन एक्स यहां चल ही रहा है। तो अब इससे हमको क्या मिला, हम क्या कोई चीज कॉमन ले सकते हैं, क्या ऐसा बन सकता है कि हम कॉस एच माइनस वन ले आए कहीं से, क्योंकि हम जानते हैं कॉस एच माइनस वन वाला जो होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टू साइन स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर एच बाई टू होता है। तो चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये एक्स साइन एक्स है, कॉस एच है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पर माइनस एक्स साइन एक्स है। तो अगर हम एक्स साइन एक्स यहाँ से कॉमन ले लें, देखिए ये तो मल्टीप्लीकेशन के बाद आया, उसके बाद यहाँ पर आपका ये एक्स साइन एक्स है ही, हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स साइन एक्स कॉस एच और ये एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स ले ले रहे हैं बाहर, तो एक्स साइन एक्स बाहर लिया, अंदर क्या बचा, ये कॉस एच और ये माइनस वन, ये तो आ गया इसका डिवाइड बाय एच कर दिया, ये दोनों हो गए। अब आप आइए एक्स कॉस एक्स पे, ये एक्स कॉस एक्स है, ये एक्स कॉस एक्स वाला जो है इसमें ये साइन एच ऑलरेडी है, तो ये एक्स कॉस एक्स बाहर ले लीजिए, क्योंकि एच लिमिट तो एच की लग रही है ना, तो ये तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, लिमिट लगा दीजिए साइन एच बाय एच, यानी कि ये साइन एच बाय एच, ये वाला भी हो गया। अब आइए यहाँ पर इस वाले पे, साइन एक्स कॉस एच, साइन एक्स कॉस एच, साइन एक्स कॉस एक्स नीचे एच करेंगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो एच तो चला ही गया यहाँ से। अब आ जाइए यहाँ पर एच साइन एच कॉस एक्स साइन एक्स, यहाँ पर भी एच नीचे नीचे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी एक्स चला गया यहाँ से, ओके। तो ये जो यहाँ पर दो बार लिखा है ना, इसको आप जरा हटा दीजिएगा, दो बार नहीं है, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बेसिकली ये इसी के बारे में बात हो रही है। तब क्या बनता है आपका, यहाँ पर आपका, पहले मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, फिर हम इस पे और इस पे आएंगे। यहाँ पर साइन एच, एच टेंस टू जीरो, तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो है ना, ये पूरा जीरो हो गया, तो ये तो हट गया, कॉस एक्स इंटू जीरो ये चला हट गया, यहाँ पर साइन एक्स बाहर में। अब कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो यहाँ पर केवल साइन एक्स बचा, तो ये साइन एक्स बचा, यहाँ पर हमने कहा था साइन एच बाय एच, तो ये साइन एच बाय एच लिमिट एच टेंस टू जीरो तो वन होता है, तो यहाँ केवल एक्स कॉस एक्स बचा, तो मतलब अल्टीमेटली आपका एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स यहाँ से बचा है। अब इस पे आते हैं, एक्स साइन एक्स तो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है ये कॉस एच माइनस वन, हमने पहले ही कहा था ये टू साइन स्क्वायर एच बाय टू होता है, टू साइन स्क्वायर एच बाय टू माइनस टू साइन स्क्वायर एच बाय टू किया हमने। अब हमको एच, ये बेसिकली एच बाय टू नहीं है, साइन स्क्वायर एच बाय टू है, तो एच स्क्वायर बाय फोर नीचे चाहिए, एच स्क्वायर बाय फोर नीचे किया तो ऊपर भी ऊपर हमको करना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक एच ऑलरेडी था, तो एक एच यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पर एच बाय फोर की जरूरत पड़ेगी। ये पूरा जो है ये वन हो गया, तो माइनस टू एच बाय फोर, यानी कि माइनस टू इंटू एच बाय फोर, यानी कि माइनस एच बाय टू, यहाँ से माइनस एच बाय टू बचा, ये इतना आया। तो अब एक्स साइन एक्स माइनस एच बाय टू, ये हो गया, और आपका एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स। अब जब लिमिट लगाएंगे तो ये जो एच जो है वो तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो हम जिसके साथ काम कर रहे थे वो सारा जीरो हो गया। तो मैंने आपको जो बताया था, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यही बचा, बाकी सब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यही बचेगा। नेक्स्ट वाला भी कुछ इसी तरीके से है, ये है एक्स कॉस एक्स, बिल्कुल एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि ये कॉपी है पिछले वाले सवाल की। तो एफ एक्स आपको दिया है इसमें एक्स कॉस एक्स, तो इसमें क्या करेंगे, पहले एफ एक्स प्लस एच, यानी कि जहां जहां एक्स है एक्स प्लस एच कर दीजिए, यहां भी एक्स प्लस एच कर दीजिए, यहां लिख दीजिए, फिर एफ एक्स यानी कि एक्स कॉस एक्स यहां लिख दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी को खो देंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको एक्स को भी इसके साथ और एच को इसके साथ, और यहाँ माइनस एक्स कॉस एक्स है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स कॉस एक्स आ गया, यहाँ एक्स कॉस एक्स आ गया, इन दोनों से एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, जैसे हमने कॉमन लिया हमारा बचा कॉस एच माइनस वन, कॉस एच माइनस वन और डिवाइडेड बाय एच है तो सबके साथ डिवाइड कर दीजिए। अब आइए इस पर माइनस एक्स साइन एक्स साइन एच, इससे एच डिवाइड करेंगे तो एक्स साइन एक्स तो बाहर ले लीजिए, साइन एच बाय एच आ गया, लिमिट लगा दीजिए। अब आइए इस पर कॉस एक्स बाय एच, इसमें डिवाइड एच करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, केवल यही बचेगा,
लिमिट लगा दीजिए एच टेंस टू जीरो ये कॉस एच पे, यहाँ पर आइए ये भी एच डिवाइड होगा तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स और साइन एच, तो सिर्फ केवल साइन एच पे लगा दीजिए लिमिट क्योंकि साइन एक्स इसके लिए कॉन्स्टेंट है। अब पहले यहाँ देख लेते हैं ये साइन एच साइन जीरो जीरो होता है, ये जीरो हो गया, ये पूरा जीरो हो गया ये वाला, यहाँ कॉस जीरो वन होता है तो केवल कॉस एक्स बचा है यहाँ पे, यहाँ पर साइन एच बाय एच वन हो गया क्योंकि लिमिट लगाई केवल एक्स साइन एक्स बचा, तो एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स पे ध्यान रखिएगा ये तो जीरो हो ही गया है, इसको भी हम जीरो बनाएंगे अभी कैसे, अभी जैसे पहले किया कॉस एच माइनस वन क्या होता है माइनस टू साइन स्क्वायर एच बाय टू, और क्योंकि ऑलरेडी एच यहाँ पर था तो एक एच वहाँ से लिए तो एच स्क्वायर बाय फोर, तो यहाँ पर एच बाय फोर आपको चाहिए होगा क्योंकि हमने नीचे अपने आप किया है और एक एच ऑलरेडी था इसलिए यहाँ केवल एच चाहिए, ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका वन बन गया, ये माइनस टू इंटू एच बाय फोर, यहाँ पर एच को जीरो कर दीजिए क्योंकि लिमिट लगा रहे हैं, तो पूरा जीरो हो गया है एक्स कॉस एक्स इंटू जीरो सब जीरो हो गया, तो आपका क्या बना कॉस एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स के यही दोनों बचे, तो कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स या माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये लिखेंगे आप। अगला है इसमें तीसरा साइन टू एक्स माइनस थ्री, जो एफ एक्स है वो है साइन टू एक्स माइनस थ्री, ठीक, तो जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच कर दीजिए, तो वही यहां पर क्या है साइन टू, अगर यहां टू एक्स प्लस एच करेंगे तो क्या बनेगा टू एक्स प्लस टू एच माइनस थ्री, वो यहां पर आप देख रहे हैं और ये ऐसे रहेगा। अब इसमें हम साइन इसको सी मानेंगे इसको डी मानेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी दिस प्लस दिस बाई टू। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे पहले बता देता हूँ, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इसमें, इसमें क्या कैंसिल हो रहा है आपका कुछ, इसमें कैंसिल हो रहा है कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो सीधा आपका फोर एक्स माइनस सिक्स प्लस टू एच या फोर एक्स प्लस टू एच माइनस सिक्स आएगा, लेकिन यहाँ पर जरूर कैंसिलेशन हो रहा है, कैसे कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ पर आप देखिएगा ये टू एक्स ये माइनस में है, ये है ना टू एक्स माइनस थ्री ना सी माइनस डी, तो टू एक्स प्लस टू एच माइनस थ्री और माइनस कर रहा हूँ माइनस टू एक्स प्लस थ्री, थ्री थ्री से कैंसिल हो गया टू एच से कैंसिल हो गया, तो आपका क्या 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 बचता है टू एक्स से कैंसिल हो गया थ्री थ्री से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप माइनस या प्लस थ्री होगा और ये माइनस टू एक्स होगा, साइन चेंज करके बता रहा हूँ माइनस करने के बाद, तो ये थोड़ा साइन चेंज है यहाँ पर ये कैंसिल हो गया केवल एच बचा आपका टू एच बाय टू है तो ये टू से कैंसिल हो गया केवल साइन एच बचा। अब लिमिट लगा दीजिए यहाँ पे इसके साथ लिमिट लगाइए, तो ये तो साइन एच है नीचे एच ले लीजिए ऊपर भी एच ले लीजिए, साइन एच बाय एच हो गया वन तो यहाँ पर एच बचा अभी आपका, ठीक यहाँ पर एच है लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपका एक एच नीचे दिख रहा है आपको तो इनसे काट दीजिए। अब यहाँ पर केवल ये सब भूल जाइए केवल आपका यही बचा है केवल ये वाला टर्म बचा है यहाँ से आता है टू कॉस फोर एक्स प्लस टू एच माइनस सिक्स, तो इस एच की जगह जीरो कर दीजिए तो क्या बना फोर एक्स माइनस सिक्स बाय टू, तो फोर एक्स माइनस सिक्स बाय टू टू काउन ले लीजिए टू एक्स माइनस थ्री बाय टू टू एक्स माइनस थ्री है ये, तो यहाँ पर टू कॉस या टू कॉस टू एक्स माइनस थ्री ये फाइनल आ गया आपको। नेक्स्ट भी थोड़ा सा इसमें लिखने में टाइम लग जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं समझा देता हूँ, जहाँ जहाँ जरूरत होगी यहाँ पर बताऊंगा आपको। अगला जो बन रहा है वो है अंडर रूट साइन टू एक्स, तो जहाँ पर ही अंडर रूट दिख जाता है ना आपको आपको दिमाग में डाल देना चाहिए अपने कि भाई यहाँ कहीं ना कहीं हमको आर एफ या रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप अब यहाँ पर देखिएगा यह है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, तो आप क्या करेंगे जो जो आपका एफ एक्स बता देता हूँ वह है अंडर रूट साइन टू एक्स, ये है आपका ठीक, तो क्या करेंगे साइन यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखेंगे तो टू एक्स प्लस टू एच हो जाएगा वो यहाँ देख रहे हैं आप, और माइनस वही वाला जो अंडर रूट साइन टू एक्स है वो यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ से कुछ खास फायदा तो होने वाला नहीं है, तो आपको इसको आर एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे प्लस प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे क्या फायदा होगा ये ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, इससे रूट चला जाएगा तो आपका साइन टू एक्स प्लस एच माइनस साइन टू एक्स आएगा, नीचे आपका ये आ जाएगा और एच था ये आपका ओके। अब आइए अब आप इस पर लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो हम अभी भी देख चुके हैं टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो टू कॉस दिस प्लस दिस बाई टू और दिस माइनस दिस बाई टू, तो इससे क्या बना ये तो टू एक्स हट गया, ये टू एक्स से गया ये टू से टू गया ये साइन एच बना, क्या साइन एच बना, इसको भी भूल जाइए इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा हम लोगों को, तो ये तो पहले आपका इस जगह पे यहाँ क्या हुआ ये केवल साइन एच बनाया इसने ये हो गया। अब देखिए ये साइन एच है और ये एच है नीचे, तो ये साइन एच और एच को हमने साथ ले लिया ये क्लियर है, यहाँ पर क्या बनता है टू कॉस, अब यहाँ पर हर जगह टू है तो टू कॉमन लेके टू से काट दीजिए तो केवल आपका कॉस, अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए
2x प्लस 2h माइनस 2x बाय 2 था ना, इसको आप हटा सकते हैं वैसे, उसकी इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये यहाँ पर आया साइन 2x प्लस 2h प्लस 2x, तो 2 कॉमन ले लीजिए, इसको ऐसे लिखेंगे, ये cos है, 2 cos, 2 कॉमन ले लिया हमने, यह x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है, ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये क्या है 2x है, 2 cos 2x प्लस एच ये बनेगा, ये 2 cos 2x प्लस एच ऐसे आया यहाँ पे। हमने जो साइन एच है और इस एच को लेके लिमिट लगा दी, 1 हो गया, ये आपने एच टेंस टू 0 लिमिट लगा दी, ये 1 हो गया। अब नीचे आए यहाँ पर, अब सीधा आप एच टेंस टू 0 कर दीजिए, लिमिट लगा दी, ये 0 हुआ तो ये 2 cos 2x जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, ये 0 हुआ तो ये साइन रूट एक्स और साइन रूट एक्स अंडर रूट है, तो ये 2 अंडर रूट साइन 2x हो जाएगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं 2 अंडर रूट साइन 2x, यहाँ पर ऊपर 2 cos 2x, 2 2 से काट दीजिए, cos 2x बाय अंडर रूट साइन 2x, एक बार खोल के दिखा देता हूँ, ये 2 cos 2x ऊपर आ गया, ये साइन 2x अंडर रूट में है, 2 2 अंडर रूट साइन 2x से 2 2 कैंसिल हो गया, cos 2x बाय अंडर रूट साइन 2x ही आएगा इसका। नेक्स्ट वाला है फिफ्थ वाला, ये इसमें fx दिया है आपको साइन x बाय एक्स, ओके यहाँ चले आइए, यहाँ पर करिए पहले साइन x प्लस एच बाय एक्स प्लस एच, ये तो fx प्लस एच हो गया, और माइनस साइन x बाय एक्स हो गया, नीचे आ चाहिए आपका। अब पहले इसको LCM ले लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो नीचे क्या क्या गया, एच x प्लस एच x, ये नीचे आ गया, ये हो गया x साइन x प्लस एच, और ये हो गया x प्लस एच साइन x, ओके। अब क्या करेंगे हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ कॉमन बन जाए, लेकिन उससे पहले हमको साइन x प्लस एच को खोलना पड़ेगा, तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले बार पहले भी, तो इसको करेंगे और x को मल्टीप्लाई करके इसको खोल दीजिए, तो x x से मल्टीप्लाई करके ये x से मल्टीप्लाई करके ये। अब इसमें क्या कुछ कॉमन बन रहा है, ऐसा कुछ हम ले सकते हैं जिससे हमारा फायदा हो जाए, ठीक। तो आप देखिए ये x साइन एस कॉस एच है यहाँ पर, और ये x साइन एक्स है, इन दोनों से x साइन एक्स कॉमन ले लीजिए तो कॉस एच माइनस वन बनेगा, तो x साइन एक्स कॉमन लिया, कॉस एच माइनस वन बाय एच, एच सबके नीचे है ही, एच सबके नीचे है ही, तो वो आप ले लीजिए, ओके। बेसिकली आपको करना क्या है, ये x x प्लस एच, ये मैं आपको बताऊंगा, x x प्लस एच की बात अभी हम बाद में करते हैं, उसको वहां लेंगे जहां इसकी जरूरत होगी, राइट। तो अगर हम एक एक करके ले चले, तो जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये x साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, इसको हमने कॉमन लिया, तो क्या बन जाए, कॉस एच माइनस कॉस एच माइनस वन, नीचे x है ही, इस x प्लस एक्स साइन एच को यहाँ पर अभी छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, अभी यहीं पे है, इसको मैं बाद में डील करूँगा, यहाँ हो गया। अब आइए इस पर क्या बचता है, एक्स कॉस एच साइन एच, एक्स कॉस एच, ये एक्स कॉस एक्स साइन एच, एक्स कॉस एक्स साइन एच, मैं यहीं पर काम करता हूँ, इसको आगे डील करने से अच्छा हम एक काम करते हैं, बढ़िया ये रहेगा कि ये यहीं पे लिमिट इस पे लगा देते हैं, क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा तो होने वाला है, कहीं हमको x प्लस एच तो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना, इस एच को जीरो कर दीजिए, यही लिमिट लगा देते हैं, तो इस पे लगा रहे हैं केवल ये वाले पे, ठीक है, सब पे नहीं लगा रहे, ये x x प्लस एच पे लिमिट लगा रहे हैं, ये जीरो हो गया, ये x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया, तो अब मान के चलिए आप नीचे h इंटू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एच तो ले लिया, एक्स स्क्वायर अभी बाकी है, बाद में डील करते हैं, एक एक एक्स स्क्वायर जो था, यहां पर एक्स स्क्वायर था ना, ये भी है, मैं भी इसको बताऊंगा डील करेंगे, यहां तो क्लियर हो गया, ये एक्स कॉस एच, यहां एक्स कॉस एच था, एक्स कॉस एक्स, यहां पर इस साइन एच के नीचे एच लगा दीजिए, लेकिन आपके पास एच और एक्स ये तो है ना, तो ये एक्स है, ये एक्स प्लस एच, इसको हमने अलग से लिखा हुआ है, ये इसके नीचे कर दिया, ये इसके नीचे कर दिया, फायदा क्या हुआ, इस एक्स एक्स ये एक्स कैंसिल हो गया, अब इस पे आइए, ये है एच साइन एक्स, तो ये एच साइन एक्स है, इसके नीचे भी यही काम करेंगे, एच एच साइन एक्स के नीचे, तो यहां पर आपका साइन एक्स है, नीचे आपका एक्स, मैंने बताया था आपको एक्स स्क्वायर इंटू एच है ना, एच से एच कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर का एक एक्स इसके साथ ले लीजिए, एक एक्स यहाँ हटा दीजिए, लेकिन इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, साइन एक्स बाय ये रह दीजिए, साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये जीरो हम करेंगे, ये एक्स और एक्स साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर ही आएगा, बाकी तो हमारा हट गया। अब इस पर वापस लौटते हैं, ये कॉस एच माइनस वन, ये तो टू साइन स्क्वायर एच बाय टू है, ठीक, और हमको यहाँ पर एच मिला है, एक एक एच है हमारे पास, और अगर आपको याद हो इसी को तो एच लेके हमने ये बनाया है, तो
हमको क्या चाहिए कि एच स्क्वायर बाय फोर चाहिए नीचे, एक ऑलरेडी एच था हमारे पास, एक एच को रहने देते हैं, एच बाय फोर करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा आपका बन गया वन, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर बनता है एक्स साइन एक्स, ये तो हमने हटा दिया, ठीक, ये वाला हमारा पूरा का पूरा हटा दिया इस जगह पे। लेकिन एक एच ऑलरेडी बच जाता है इसमें, ये अगर हमें पूरा हटा दिया तो एक एच बच गया है। अब इसको बिल्कुल मत देखिए इसके नीचे क्या हो रहा है, मैंने आपसे कहा था इसके बाद में डील करूंगा मैं, क्योंकि इसके नीचे एक एच इंटू एक्स स्क्वायर था, मैंने कहा था वो अगर मैं एक्स स्क्वायर भी लिखता हूँ एक एक्स एक्स कट भी जाता है तो इसका फायदा हमें ज्यादा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये एच जीरो है, ये पूरा का पूरा वैसे भी जीरो होना है। तो ये टर्म को आप हटा दीजिए, ये जीरो हो गया, ठीक। अब आइए एक्स कॉस एक्स बाय एक्स, ये तो एक्स कॉस एक्स बाय एक्स, मैंने आपको बताया था कि एक ही एक्स से एक्स कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर कॉस एक्स बाय एक्स, केवल ये वाला जो एक्स है ना ये बचेगा, मतलब बेसिकली ये था कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर था, तो कॉस एक्स बाय एक्स आना ही था, ये कॉस एक्स बाय एक्स यहाँ से आ गया, इधर से आया, यहाँ पर आइए ये तो साइन एच बाय एच वन हो गया, ये तो ये इसका इसका हो गया है, हमने कार्यक्रम कर दिया है। अब साइन एक्स बाय एक्स, ये वाला पूरा क्या था, साइन एक्स बाय एक्स, और मैंने आपको बताया था ये साइन बाय, ये इसको हम मैंने यहीं पे इसको एक्स इंटू ये एक्स कर दिया था, एक्स स्क्वायर कर दिया था, साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक, साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर ये आपका आ गया। तो यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय, ये तो कॉस एक्स बाय एक्स है, ये साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये फाइनल आपका उत्तर आ गया। तो ये इससे नीचे से मत घबराइएगा, ये जहाँ जहाँ इसके साथ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ ले लीजिए, और फाइनली जहाँ आपको समझ में आ रहा है कि भाई अगर एच जीरो कर दें और हमें फायदा हो जाए तो वहीं पे आप इसको डील कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वी आई, ये कॉस एक्स बाय एक्स, बिल्कुल सेम काम करना, थोड़ा फटाफट बताऊंगा आपको, आइडिया तो लगी गया है। ये एफ एक्स प्लस एच है, कॉस एक्स प्लस एच बाय एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स बाय एक्स, इसमें आप क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, नीचे लिख दीजिए। अब क्या करिए, ये कॉस एक्स प्लस एच को खोल दीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन ए साइन बी, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, पूरा ओपन कर दीजिए। ये एक्स कॉस एक्स कॉस एच है और ये एक्स कॉस एच कॉस एक्स है, इन दोनों को ले लीजिए, यहाँ पर इन दोनों में से एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, अभी ये नीचे वाले को भूल जाइए। तो एक्स कॉस एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर बनेगा कॉस एच माइनस वन, कॉस एच माइनस वन, अब नीचे एच है ही ऑलरेडी आपका, एक्स स्क्वायर के बारे में बाद में बात करेंगे। ये आपको समझ में आ गया ना कि अल्टीमेटली एच को मैं जीरो करने वाला हूँ ताकि एक्स स्क्वायर बने। तो कॉस एच माइनस वन बाय एच, पहले वाले टर्म को देख लेते हैं, इसी को देखेंगे। ये वाले टर्म में क्या हुआ, हमने ये टू माइनस टू साइन स्क्वायर एच बाय टू लिखा, यहाँ पर बस ऑलरेडी एच था तो एच स्क्वायर बाय फोर करेंगे, तो यहाँ तो एच बाय फोर चाहिए होगा, ये पूरा का पूरा जो होगा ये वन हो जाएगा, ये साइन एच बाय टू बाय एच बाय टू होल स्क्वायर, ये हुआ। यहाँ पर आपका जो भी टर्म आ रहा है इस जगह पे, यहाँ पर क्या है इस जगह पे, ये केवल एच बचेगा यहाँ पर। अब एक्स कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर तो था ही नीचे, ये मैंने इसको एच को जीरो कर दिया अगर, तो एक्स स्क्वायर तो है ही नीचे, लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक एच आ चुका है, ये जो एच आ गया ना इसने इसको पूरा जीरो लिमिट लगाने पर जीरो कर देगा, तो यहाँ पर पूरा जीरो हो गया, इसको भूल जाइए, ये वाले का काम हो चुका है। अब आइए इस पे माइनस, ये वाला ये हो गया ना, माइनस एक्स साइन एक्स साइन एच बाय एच एक्स साइन एच एक्स साइन एक्स प्लस एच, तो पहले साइन एच और एच को लीजिए वन कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, इस मतलब साइन एच बाय एच कैंसिल नहीं हो, ये वन हो गया। अब ये एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय, मैंने कहा था इसको एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसको हम जीरो, इसको एच को जीरो कर देंगे तो एक्स ही आएगा। एक्स साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स एक्स कैंसिल, साइन एक्स बाय एक्स आया, तो अल्टीमेटली इसकी जगह आपको साइन एक्स बाय एक्स मिलेगा, ये आप देख रहे हैं। अब ये कॉस वाले टर्म पे, यहाँ पर भी ये हुआ कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर है, तो कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको हम एच को जीरो कर देंगे, तो कॉस ये जो आपका एच कॉस एक्स था ना, इसके नीचे हम एच एक्स कॉस एक्स एक्स एच एक्स कॉस एच एक्स एक्स प्लस एच लिखेंगे, एच एच कैंसिल, एक्स एक्स प्लस एच में एच को जीरो कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, तो सब यहाँ पर आया माइनस साइन एक्स बाय एक्स, इतना बचा, और ये कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या है, सेवेंथ वाला, ये है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए एफ एक्स प्लस एच, यानी कि इसको हर एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दीजिए, तो एक्स प्लस एच होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहां पर क्या करना होगा आपको, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसको खोलिए साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ तक हो गया।
अब क्या करना है आपको, सारे सारे को मल्टीप्लाई करना है इससे, मतलब एक्स स्क्वायर को पहले इससे करना है, एच स्क्वायर से इससे करना है, और टू एक्स एच को भी इससे करना है, तो थोड़ा सा लंबा सा ये टर्म आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एच है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एच, यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, इन दोनों से, ये वाले से और ये वाले से, पहले तो हमने इसको इधर रख दिया, यहाँ पर यही किया गया है, इसको इधर रख दिया है, तो इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स हमने कॉमन लिया, बचता क्या है कॉस एच माइनस वन, कॉस एच माइनस वन बाय एच। आपको पता है अभी तक देखते हुए आप चले आए कि ये हमेशा इसको जब सॉल्व करेंगे जीरो आएगा, क्लियर है ना, तो यहाँ पर मैं जीरो बता दूँ, आपको शंका तो नहीं होगी कैसे होगा, अभी तक अब तीन सवाल कर चुके हैं। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो टर्म है अब ये बहुत बार डील कर चुके हैं, ये वाला हमको पता है ये जीरो आता है, क्यों, क्योंकि ये जब हम इसको टू साइन स्क्वायर एच बाय टू को लिखेंगे, ये एच ऑलरेडी था, तो एच स्क्वायर बाय फोर करेंगे तो यहाँ एच बाय फोर की जरूरत पड़ेगी केवल, ये पूरा का पूरा वन हो जाएगा, यहाँ एच ऑलरेडी है तो लिमिट लगाएंगे, इसको छोड़ भूल जाइए अभी, लिमिट एच पे लगाएंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। अब आइए अगले वाले पे, अगले जो टर्म आपके आ रहे हैं इसको एक एक करके देखा जाएगा, ये हो गया, यहाँ पर आपका एक्स, अगला जो टर्म है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स साइन एच, नीचे एच आएगा, सबके नीचे एच आएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को अलग रख लीजिए, ये आएगा साइन एच बाय एच, ये हो गया वन, तो आपका एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बचा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बच रहा है। अब अगले टर्म पे, ये साइन एक्स, यहाँ पर ये वाला टर्म है एच स्क्वायर साइन एक्स कॉस एच, नीचे एच था, ठीक है, नीचे आपका जब एच टर्म एक ऑलरेडी है तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस एच, और एक एच नीचे था तो एक एच बचेगा यहाँ पर। अब लिमिट लगा दीजिए एच पे, ये सारा का सारा जीरो हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, तो इसको भूल जाइए आप, ये नहीं आएगा आगे। अगला है एच स्क्वायर कॉस एक्स साइन एच, इसके नीचे भी एच स्क्वायर रहेगा, एच रहेगा, तो एक एच से एच कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब एक एच बची गया, और लिमिट लगाएंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसको भी भूल जाइए, ये भी चला जाएगा। यहाँ पर आइए टू एक्स साइन एक्स कॉस एच, यहाँ पर देखिए ये एच है, यहाँ एच है, एक एच से एच कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स साइन एक्स कॉस एच, टू एक्स साइन एक्स कॉस एच, अब हम कॉस एच पे लिमिट लगाएंगे, कॉस जीरो होता वन, तो टू एक्स साइन एक्स आएगा आपका, यहाँ पर टू एक्स साइन एक्स आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स मिल गया था, टू एक्स साइन एक्स। अब अगले का आइए, और कुछ बचता है इसमें, इस पे टू एक्स एच कॉस एक्स साइन एक्स, नीचे एच है, एच से एच कैंसिल, लेकिन टू एक्स कॉस एक्स साइन एच जो बचेगा, ये साइन जीरो है, अगर लिमिट लगाएंगे तो साइन जीरो आएगा ना, साइन जीरो जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचा, जो मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स, ये बचे, थोड़ा सा ये बड़ा है इसलिए करना, अगर करने लगे तो एक ही को भी कम से कम 7-8 मिनट लग जाएंगे, इसे थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ आपको। जो आठवां सवाल है इसमें है अंडर रूट साइन 3x प्लस 1, तो एफ एक्स आपका है अंडर रूट साइन 3x प्लस 1, चलिए इसमें लगाते हैं अपना साइन 3x प्लस एच, एक्स प्लस एच लगा दिया तो 3x प्लस 3h हो गया ये, है ना, प्लस 1, और यहाँ पर अंडर रूट साइन 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 3h प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3x, अंडर रूट साइन 3x प्लस 1 है। अब इसके साथ कुछ नहीं कर सकते आप, आर एफ से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो रूट हटा दीजिए और सीधा लिख दीजिए इसको, और नीचे जो चीज़ें उससे आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये अल्टीमेटली h जीरो करेंगे, ये आएगा साइन 3x प्लस 1, ये भी साइन 3x प्लस 1 है, तो नीचे वाला टू अंडर रूट साइन 3x प्लस 1 बनेगा। आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अल्टीमेटली 2 साइन अंडर रूट 3x प्लस 1 बनेगा, ये h को जीरो करेंगे तो इस, ये इसको इसके बारे में तो सोचना ही छोड़ दीजिए, हमको अल्टीमेटली इसके बारे में सोचना है, क्योंकि नीचे h है, कुछ ना कुछ इसके साथ होगा। अब यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, योगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, तो टू कॉस दिस प्लस दिस बाई टू, मतलब ये प्लस ए बाई टू, और ये माइनस ए बाई टू, ये आ गया आपका। अब देखिए इसमें तो सिक्स एक्स प्लस टू प्लस थ्री एच, ये आ रहा है, यहाँ पर थ्री एक्स वन और थ्री एक्स वन कट गया, यहाँ केवल थ्री एच बाई टू आया। अब आपके पास ये थ्री एच बाई टू है, यहाँ पर एच है, तो आप क्या करेंगे, एच यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, और थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आपको ऊपर भी करना पड़ेगा थ्री बाई टू। अब आप ये देखिए, ये साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म बन गया, ये हो गया वन, तो थ्री बाई टू आया, यहाँ से थ्री बाई टू यहाँ से ले लीजिए, टू कॉस यहाँ पर आप मैं लगा रहा हूँ लिमिट एच एच टेन, ये थ्री एच जीरो हो गया, सिक्स एक्स प्लस टू बाई टू, थ्री कॉमन लेंगे तो थ्री एक्स प्लस वन बनेगा, टू से टू कैंसिल, तो आएगा टू कॉस थ्री एक्स प्लस वन, थ्री बाई टू यहाँ से आ गया। ये क्या टर्म था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर इसको एच को जीरो कर देंगे तो ये साइन थ्री एक्स प्लस वन, ये दो बार है, तो टू अंडर रूट साइन थ्री एक्स प्लस वन,
ऊपर क्या आया, इससे तो टू और टू को कैंसिल कर दीजिए, कॉस थ्री एक्स प्लस वन और थ्री आ गया, टू टू कैंसिल हो गया, थ्री कॉस टू एक्स प्लस वन बाय टू अंडर रूट साइन थ्री एक्स प्लस वन, ऐसे आ जाएगा। ये आपका नवा सवाल है, आई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आ गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ एफ एक्स प्लस एच रखना है, यानी साइन एक्स प्लस एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच, यहाँ पर वही कर रखना है आपका साइन एक्स, देखिए ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है लेकिन नेगेटिव में रखा ना, इसको माइनस में है तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स को साइन एक्स के साथ ले लेंगे, डिवाइडेड बाय एच कर लेंगे अलग अलग, और उसके बाद प्लस लगा के कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स को अलग ले लेंगे। अब हम यहाँ पर साइन साइन सी माइनस साइन डी का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो टू कॉस ये फॉर्मूला लगाने के बाद आया है, ठीक। अब आप ये देखेंगे ये साइन एच बाई टू है या एच है, या डिवाइड बाई टू करिए मल्टीप्लाई बाई टू करिए, ये तो वन हो गया, टू से टू कैंसिल, केवल कॉस, अब यहाँ एच को जीरो कर दीजिए लिमिट लगा के, तो कॉस टू एक्स बाई टू ये इससे भी कर दीजिए, केवल आपका कॉस एक्स आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर केवल कॉस एक्स आ रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे वाले में हम आ गए, तो माइनस टू साइन जो भी आपका बन रहा है, हमारे हमको केवल इससे मतलब है, यहाँ एच है यहाँ बाई टू करके कर दीजिए, यहाँ बाई टू कर दीजिए, ये हो गया वन, इससे टू से टू कैंसिल, यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, इससे ये कैंसिल, साइन एक्स आया केवल, और क्या आया माइनस साइन एक्स, ये माइनस और ये साइन एक्स, माइनस साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बाकी तो जो स्टेप वाइज सोल्यूशन है वो तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ना। इसमें जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर फोर, तो इसमें टैन थीटा या टैन से रिलेटेड सवाल है। अब अगर आप इसको देखें तो जो एफ एक्स दिया हुआ है, और फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है टैन स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, जहां जहां एक्स दिख रहा है एक्स प्लस एच रख दीजिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं टेन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मानिए, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी लगा देंगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए इसमें टेन एक्स प्लस एच है, बी इसमें टेन एक्स है, यहां तक ठीक है। अब इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं, इसको कर देंगे साइन एच बाय कॉस एच, ये हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये साइन एक्स प्लस एच बाय कॉस एक्स प्लस एच, और ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ये साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स ऐसा, ये साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच ये हो गया प्लस का साइन, और नीचे आपका कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस एच, इसके साथ भी यही होगा, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव का साइन है, सेम चीज़ आएगी विथ नेगेटिव साइन, और नीचे कॉस एक्स प्लस दोबारा आएगा, तो इसको स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आप आ गए। अब आप देखें कि हमको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। आपको याद होगा कि ये हम ऑलरेडी चीज़ें कर चुके हैं, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसमें केवल साइन टू एक्स प्लस एच मिलेगा, क्योंकि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है, इसी तरीके से साइन साइन ए ऐसे लिखता हूं मैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी, राइट, साइन ए प्लस बी, तो साइन यहां कितना है एक्स प्लस एच, और यहां है आपका एक्स एक्स प्लस एच प्लस एक्स, तो क्या आएगा साइन टू एक्स प्लस एच, ये यहां पर आप देख रहे हैं। दूसरा यहां पर क्या आएगा साइन ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस एच, इसके लिए बता रहा हूं आपको, साइन ए माइनस बी एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो साइन एच बचा केवल, तो साइन एच आ गया यहां पे, नीचे आपका ये कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच और एच चल ही रहा है, ओके। अब आप देखें अलग अलग कर रहे हैं इसको, इस साइन एच को देखिए और इस एच को देखिए, पहले तो इसको हम अलग करके वन कर देते हैं क्योंकि हमें पता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच बाय एच वन हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर जो एक्स है इसको अलग कर लीजिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, एच नहीं है ना इसमें, इसको अलग हटा दीजिए। ये साइन टू एक्स प्लस एच है इसको भी अलग हटा लीजिए, साइन एच प्लस एच ये हो गया, और इस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच को लिमिट के साथ ले लीजिए। लिमिट हम उसी में लगाते हैं जिसमें एच होता है, तो अगर आप देखें यहाँ हम लिमिट किस पे लगा पाएंगे, इस पे लगा पाएंगे, तो इसको लिमिट के अंदर रख दिया, साइन एच बाय एच यहाँ लग दिया, ये आपको कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एच को हमने नीचे कर दिया क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगाना है, यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, ये एच जीरो होगा, साइन टू एक्स बचेगा केवल, ये हो गया, ये तो चल ही रहा है वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आइए साइन एच बाय एच, ये तो वन हो जाएगा,
यहाँ पर आइए, इसे एच को जीरो करिए तो वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या बना आपका साइन टू एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस साइन टू एक्स को आप लिखेंगे टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन टू थीटा जो होता है ये होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा होगा ये। इसमें क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो एक कॉस को एक कॉस से काट दीजिए, तो क्या बना ऊपर बना टू साइन एक्स, नीचे क्या है आपका ये कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि कॉस क्यूब एक्स। तो आप एक काम करें, कॉस इसको एक कॉस एक्स इसके साथ ले लें, यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर एक्स कर दें, ये हो गया टेन एक्स, तो टू टेन एक्स वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो गया आपका सेक्स स्क्वायर एक्स, ये उत्तर आ गया टू टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स। अगला है इसमें टेन टू एक्स प्लस वन और टेन, ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो अगला सवाल है टेन टू एक्स प्लस वन और टेन टू एक्स बिल्कुल सेम है ना, ये टेन टू एक्स प्लस वन है, ये अगला जो आएगा टेन टू एक्स आएगा, बिल्कुल सेम है, ट्रू कॉपी है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना होगा आपको। यानी कि एफ एक्स जो आपको दिया है वो दिया है टेन टू एक्स प्लस वन, बस आपको करना क्या है एफ एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स, जहाँ जहाँ एक्स देख रहे हैं आप एक्स प्लस एच रख दीजिए, टू एक्स प्लस टू एच आ जाएगा प्लस वन, यहाँ तो सीधा फंक्शन रख देना टेन टू एक्स और बाय एच। अब इसको वैसे ही कर लीजिए, इसको साइन बाय कॉस, इसको साइन बाय कॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए ये आ जाएगा, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करिए वो यहाँ आ जाएगा। अभी आपको पता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है, यानी कि साइन टू एक्स प्लस टू एच प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस वन, सो टू एक्स से गया वन वन से गया साइन टू एच बचेगा, केवल साइन टू एच आया यहाँ पे, और नीचे क्या क्या आ गया एच कॉस वाला ये वाला टर्म कॉस वाला ये वाला टर्म। तो पहले इसको तो बाहर कर दीजिए क्योंकि ये लिमिट में नहीं आएगा एक्स है इसमें, तो इसको बाहर ले लीजिए, ये आपका साइन एच बच साइन टू एच बता साइन टू एच है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो केवल एच है ना यहाँ पर, तो टू टू यहाँ पर लिया और टू यहाँ ले लिया, तो ये साइन टू एच बाय एच हो गया। यहाँ पर आप आ जाइए ये वाला, इसमें कॉस टू एक्स प्लस टू एच प्लस वन, इसमें एच को जीरो कर दीजिए तो कॉस टू एक्स प्लस वन बचेगा केवल इतना, ये तो कॉस टू एक्स प्लस वन है ही, ये आपका वन हो जाएगा, तो वन बाय ये टू बाय टू तो है ना यहाँ पे, तो टू बाय कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, इसको ऊपर ले जा लीजिए टू सेक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू सेक्स स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर टू एक्स है, क्योंकि बिल्कुल पिछला फंक्शन पिछले क्वेश्चन का ये ट्रू कॉपी है, टेन टू एक्स है ये एफ एक्स है। ये काम करते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी टू टेन टू एक्स प्लस टू एच माइनस टेन टू एक्स बाय एच, एफ एक्स प्लस एच रखा और ओरिजिनल फंक्शन रखा, इसको साइन कॉस कर दिया, इसको साइन कॉस कर दिया, ये साइन कॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस का साइन लगा के, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, ये साइन ए माइनस भी लगाइए, टू एक्स प्लस टू एच माइनस टू एक्स, टू एक्स टू एक्स कैंसिल साइन टू एच आएगा केवल। नीचे आपका ये तीनों टर्म आ गए। अब आप देखिए कौन कौन से इसमें ऐसे हैं जो एच वाले हैं, उस पर लिमिट लगाइए, जो एच वाले नहीं उनको बाहर कर दीजिए। ये वन बाय कॉस टू एक्स बाहर कर दिया, ये ऊपर साइन टू एच है, नीचे आपका एच ही है, तो यहाँ एक टू लगा दीजिए, यहाँ टू लगा दीजिए, टू एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पर नीचे आइए, ये आपका कॉस टू एक्स प्लस एच को लिमिट में लीजिए क्योंकि ये बाहर जाएगा, इसकी इसमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। ये साइन थीटा बाय थीटा ये वन हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, यहाँ केवल टू आएगा। यहाँ पर आप 2h की मतलब h की जगह जरूर रखेंगे तो cos 2x आएगा, तो यहाँ cos 2x बचेगा, यानी 2 बाय cos स्क्वायर 2x आ गया, इसको ऊपर ले जाइए 2 sec स्क्वायर 2x आ गया। ये आपका चौथा सवाल है, इसमें अंडर रूट टेन एक्स है। अब आपको मैंने बताया है हमेशा जब भी आप अंडर रूट वाला जो टर्म देखें ना उसमें आपको RF रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो एफ एक्स आपको दिया है अंडर रूट टेन एक्स। चलिए ये क्या है, ये है अंडर रूट टेन एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट टेन एक्स बाय एच, ये आपका बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब हम कुछ तो कर नहीं पाएंगे, हमें मल्टीप्लाई इसको आर एफ से करना ही पड़ेगा, तो इसको लीजिए प्लस टर्म से मल्टीप्लाई करिए, लीजिए भी प्लस से करिए, ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, मतलब इसका रूट हटा दीजिए, इसका रूट हटा दीजिए, दोनों को माइनस में रख दीजिए। नीचे वाले पे आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि अपने अल्टीमेटली जब लिमिट लगाएंगे ना तो एच जीरो हो जाएगा, तो टेन एक्स ये भी टेन एक्स, तो ट्वाइस अंडर रूट टेन एक्स आएगा, तो आपको मैं यहाँ दिखा दूँ ये ट्वाइस अंडर रूट टेन एक्स है। ठीक, इसको आप बिल्कुल भूल जाइए क्योंकि ट्वाइस अंडर रूट टेन एक्स आ जाएगा। हम ऊपर पर ध्यान देते हैं, ये जो है टेन इसको साइन बाय कॉस लिखिए, इस भी टेन को साइन बाय कॉस लिखिए, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स ये वाला टर्म, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच ये वाला टर्म हो गया, और नीचे जो चल रहा है चलने दीजिए, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी ये बनेगा साइन ए माइनस बी, साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, यानी एक्स एक्स कैंसिल, साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स में एक्स कैंसिल, साइन एच आएगा यहाँ पर साइन एच। अब आइए नीचे, ये आपका एच है, तो इस साइन एच और एच को अलग कर लीजिए पहले, तो ये हो गया अलग,
इसके साथ इसमें भी लिमिट लगाना है आपको, क्योंकि इसमें आप एच देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको लिमिट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एच देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो टर्म है ना, ये दोनों टर्म ये नीचे आए ना, ये जो है कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, ये तो नीचे आ गए। और इस पर आप बिल्कुल ख्याल मत करिए, क्यों, क्योंकि आप देखें ये तो वन हो गया, यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो ये अंडर रूट टेन एक्स, अंडर रूट टेन एक्स ट्वाइस अंडर रूट टेन एक्स हो गया, इसमें जीरो लगाएंगे तो कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इसको ऊपर ले जा लीजिए, ये सेक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा, टू अंडर रूट टेन एक्स आपका नीचे ही है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू अंडर रूट टेन एक्स आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर फाइव देख रहे हैं, इसमें है साइन अंडर रूट टू एक्स, यानी जो एफ एक्स दिया है साइन अंडर रूट टू एक्स। अब ये जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें अंदर रूट एक्स है, तो आपको ध्यान देना है, यानी कि जब टेन रूट एक्स हो या इस तरीके से हो या फिर एक्स की पावर कुछ हो तो हम कैसे डील करेंगे वो हम देखने वाले हैं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ी जगह कम है इसलिए यहीं पे समझना होगा आपको। ये एफ एक्स है साइन अंडर रूट टू एक्स, इसमें साइन एक्स प्लस एच, मतलब एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखेंगे तो साइन अंडर रूट टू एक्स प्लस टू एच आ जाएगा। ये तो पहला समझ में आ गया ये कैसे आया, और फिर सीधा एफ एक्स यहाँ, तो एफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखिए यहाँ पर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ रख दीजिए बाय एच। अब आप देखिएगा ये है साइन सी माइनस साइन डी, सी इसमें अंडर रूट टू एक्स प्लस टू एच है और डी इसमें अंडर रूट टू एक्स है, तो साइन सी माइनस साइन डी का हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, टू साइन सी माइनस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू। बहुत ध्यान से देखिए, टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये वाला यहाँ देखिएगा, इसके नीचे हम टू लगा रहे हैं, सी माइनस डी बाई टू और कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, इसके नीचे डिवाइडेड बाई टू है, इसके नीचे भी डिवाइडेड बाई टू है, और ये है प्लस में, ये परिवर्तन इसमें मार्क करिएगा आप। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ये है टू साइन, इसको ये अंडर रूट टू एक्स प्लस एच है, टू एच है और अंडर रूट टू एक्स है, नीचे है एच। ओके, अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए इसको, क्या हम ये जो नीचे वाला है इसको कुछ टू एक्स प्लस टू एच बना सकते हैं, देखिए कोशिश करते हैं, हम यहाँ एच रखेंगे, अब हमको चाहिए टू एच, तो टू यहाँ पर करेंगे, तो टू यहाँ अगर नीचे बता रहा हूँ डिनोमिनेटर बता रहा हूँ, टू अगर डिनोमिनेटर में है तो टू आपको ऊपर भी ले जाना पड़ेगा, तो ये जो टू है वो यहाँ से आया है, ये वाला, ये टू तो फॉर्मूले से आ गया यहाँ से, और ये टू यहाँ से आया है, ठीक। और अब ये टू एच तो आ गया, लेकिन अभी हमको टू एक्स भी चाहिए, तो उसके लिए हम टू एक्स जोड़ देते हैं और टू एक्स घटा देते हैं, ये हो गया। अब हमको चाहिए अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट टू एक्स प्लस टू एच माइनस अंडर रूट टू एक्स, और प्लस वाला टर्म, तो कैसे करेंगे इसको, हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं और रूट कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वही टर्म आ जाएगा, इसको भी अगर हम स्क्वायर करके रूट कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ए क्या है, अंडर रूट टू एक्स प्लस टू एच, ठीक। मैंने आपको ये बताया कि अंडर रूट टू एक्स प्लस टू एच इसको हम स्क्वायर कर दें तो टू एक्स प्लस टू एच ही आ जाएगा, और ये जो टू एक्स है इसके ऊपर अंडर रूट करके हम स्क्वायर कर दें तो ये ही आ जाएगा, टू एक्स ही आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी कर देते हैं, ये बन जाएगा टू एक्स प्लस टू एच प्लस अंडर रूट टू एक्स, और रूट टू एक्स प्लस टू एच माइनस अंडर रूट टू एक्स, ठीक। ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया है। आप यहाँ देखेंगे इसको इसी तरीके से यहाँ लिखा गया है, ये जो यहाँ लिखा गया है ना, ये जो h को h से शुरू किया था मैंने, और h से जब यहाँ तक आए ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ तक हमने यह ऐसे बनाया है, क्लियर। अब आप देखें कि साइन वाला टर्म को बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन यह साइन अंडर रूट टू एक्स प्लस टू एच माइनस अंडर रूट टू एक्स बाय टू, अब ये हमारे पास नीचे आ गया अंडर रूट टू एक्स प्लस टू एच माइनस रूट एक्स रूट टू एक्स, वो यहाँ से हम ले आए। अब हमको एक टू नीचे और चाहिए, एक टू नीचे चाहिए ताकि हम ये पूरा थीटा मान लें और ये भी थीटा मान लें, ताकि साइन थीटा बाय थीटा या साइन एक्स बाय एक्स लिमिट लगा के हम उसे वन कर सके। एग्जैक्टली सेम चीज़ की है, इसके नीचे टू लगाया, टू लगाएंगे तो टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये पूरा ये जो है साइन थीटा बाय थीटा वन हो गया। तो अगर आप देखें ये साइन थीटा बाय थीटा वन हो गया, ये पूरा वन हो गया। अब इसको भूल जाइए आप, ये हमारा जा चुका है, ये टू है टू है टू है, तो एक टू से टू चला गया, एक टू बचा तो एक टू हमारे पास आ चुका है, एक टू आ गया। ओके, अब इसको
ये क्लियर हो गया ना। अब ये वाला चला गया, यहां पे आ रहे हैं, यहां पर क्या है, सीधा लिमिट लगा दीजिए। ऊपर वाले पे लिमिट लगा रहा हूं, ये आया टू, तो आप समझ ही गए ये तो है ही। यहां पर इसको टू को यहां पर रख देते, ये देखिएगा कॉस, इसकी जगह जीरो, क्योंकि जीरो लिमिट लगा दी हमने इसमें, तो ये हो जाएगा कॉस अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट टू एक्स। नीचे क्या आया, यहां हम लिमिट लगा दीजिए जीरो, अंडर रूट टू एक्स प्लस अंडर रूट टू एक्स, तो टू अंडर रूट टू एक्स आ गया। आपने देखा था टू यहां था ही, तो टू से टू कैंसिल, ये हो गया कॉस रूट टू एक्स ऊपर वाला, और नीचे आया रूट टू एक्स। ये जो टर्म है ये यहां पर आ गया, आगे के टर्म भी हम ऐसे ही करेंगे। ये है दूसरा, इसको अभी आप सीख चुके ना, कॉस अंडर रूट एक्स है ये, एफ एक्स कॉस अंडर रूट एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच करेंगे, तो कॉस अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस कॉस अंडर रूट एक्स बाय एच। अब यहां से कहानी शुरू होती है, ये है कॉस सी माइनस कॉस डी। अब कॉस सी माइनस कॉस डी जो होता है वो होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस बाय टू। क्लियर, यहां पर हमने लिख दिया माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू, ये सी है ये डी है और साइन सी माइनस डी बाय टू। नीचे आपका एच है, अब ये एच को कैसे बनाएंगे, ये एच है तो हमको अंडर रूट एक्स प्लस एच बनाना है और अंडर रूट एक्स बनाना है। पहले एच को लीजिए, इसको पहले एक्स जोड़ दीजिए, एक्स घटा दीजिए, ये हो गया। अब इसका अंडर रूट करिए, स्क्वायर कर दीजिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा वो ये रहेगा। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स। तो ये चीज़ आ गई, आप जो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों यहीं से आई। अब इस माइनस वाले टर्म को ध्यान से देखिएगा, प्लस वाला नहीं कर पाएंगे, ये प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे एच जीरो करेंगे रूट एक्स प्लस रूट एक्स, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ दिक्कत आएगी क्योंकि अगर हम इसको ना लें तो ये साइन जीरो बनाएगा ये, अगर जैसे एच को जीरो करेंगे ये अंडर रूट एक्स दोनों को दोनों जीरो हो जाएंगे, मतलब माइनस में है प्लस या माइनस, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव वाला टर्म है, ये जो नेगेटिव वाला टर्म है उसको टू से डिवाइड करेंगे, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही टू से डिवाइड किया हमने, टू से मल्टीप्लाई किया माइनस टू तो था ही, तो ये जो पूरा टर्म है इस पे हम लगाएंगे अपना, ये इस पे लगाएंगे अपना लिमिट, इस पे भी लगाएंगे लेकिन पहले इसको लिमिट लगा के इसको वन कर देंगे, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा होता है वन। तो अभी आपके पास एक नेगेटिव, ये टू टू तो कैंसिल हो गया ना, एक नेगेटिव तैयार है ये वाला, और आपने इसको भी डील कर लिया, ये वन बन, ये वन बन गया पूरा। अब इस पे आइए, लिमिट इस पे भी लगाना है, नेगेटिव बरकरार रखिए, यहाँ देखिए साइन इसको जीरो कर दीजिए तो क्या आएगा, साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स टू अंडर रूट एक्स, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय टू भी है तो साइन अंडर रूट एक्स आ गया। डिनोमिनेटर में ये तो हमने यूज कर लिया, ये अंडर रूट एक्स प्लस एच इसको जीरो कर दीजिए तो अंडर रूट एक्स हो गया टू अंडर रूट एक्स, नेगेटिव साइन बरकरार है, ये आ गया, ये जो है आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है 10 अंडर रूट एक्स, इसमें भी ऐसे करेंगे, देखिएगा पहले एफ एक्स प्लस एच यानी कि 10 अंडर रूट एक्स, जहां जहां एक्स होता है एक्स प्लस एच कर देते हैं, तो अंडर 10 अंडर रूट एक्स प्लस एच हो गया, फिर तो यही वाला टर्म लिख लेते हैं 10 अंडर रूट एक्स। अब इसमें हमारे पास 10 ए माइनस 10 बी का फॉर्मूला नहीं है, तो अब क्या करेंगे, या तो इसको आप साइन ए बाय साइन बी करिए, या 10 ए माइनस 10 बी का साइन और ए साइन और साइन साइन का और साइन बाय कॉस करने के बाद जो फॉर्मूला आता है वो ये साइन ए माइनस बी बाय कॉस ए कॉस बी, आपको याद रखना है, ये हमने थ्योरी में भी जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फंक्शंस किए थे तो इसको बताया था। तो ये, या फिर आपका एक दूसरा तरीका हो सकता है इस, ये अगर आपको उस समय याद नहीं आता है तो इसको साइन साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच बाय कॉस अंडर रूट एक्स प्लस एच, इसको साइन अंडर रूट एक्स बाय कॉस अंडर रूट एक्स, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन ए माइनस साइन बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा, उसको साइन ए माइनस बी कर लीजिए, ठीक वो यही बन रहा है, साइन ए माइनस बी बन रहा है ना, और नीचे तो खैर कॉस आएगा ही तो कॉस ए कॉस बी, तो ये डायरेक्ट जो चीज़ है वो आप इससे भी कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, इसको हम लिखेंगे इसको लिखेंगे साइन बाय कॉस, इसको लिखेंगे साइन बाय कॉस, तो इसका साइन कॉस आएगा, इसका साइन कॉस आएगा और डिवाइडेड बाय कॉस कॉस आएगा, तो कॉस कॉस देख रहे हैं आप, ये थीटा मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये थीटा वन है थीटा टू है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी तो होता है वो, और नीचे कॉस कॉस, ये वाला कॉस टर्म दिख रहे हैं। अब आप इसको देखिए,
कि ये जो h वाला टर्म है क्या हम इसको अंडर रूट x प्लस एच माइनस अंडर रूट x बना सकते हैं। अभी अभी पिछले सवाल में देखा हम क्या करते हैं, h में x को जोड़ देते हैं और x घटा देते हैं, इसको अंडर रूट पकड़ के स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि वो तो वही रहेगा, इसको भी अंडर रूट करके स्क्वायर कर देते हैं, ये बनेगा अंडर रूट x प्लस एच प्लस अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x प्लस एच माइनस अंडर रूट x। वही चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं लिखी हुई है, सेम चीज़ हमने की, पहले h को ये बनाया फिर इसको ये बना दिया। अब आप देखें ये जो टर्म है साइन साइन ए माइनस बी या कहीं साइन थीटा ही कह दीजिए, तो साइन साइन थीटा, और ये थीटा मिल गया आपका नेगेटिव वाला, ठीक है ये प्लस है, तो ये वाला ये दोनों टर्म साइन थीटा बाय थीटा, यहाँ पर साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है वन होता है, तो ये तो वन हो गया। अब आइए इस पे जो बचा हुआ है, यहाँ पर एच को जीरो करिए, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये जीरो करिए अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स है, टू अंडर रूट एक्स हो गया, यहाँ पर भी जीरो कर दीजिए, ये कॉस अंडर रूट एक्स और प्लस कॉस अंडर रूट एक्स हो गया, ये कॉस अंडर रूट एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स हो गया, इसको ऊपर ले जाइए ये सेक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स बन जाएगा, तो नीचे वन बाय टू अंडर रूट एक्स, ये आया है रूट एक्स और रूट एक्स से ये आपका टू अंडर रूट एक्स आ गया, ये क्योंकि कॉस और कॉस मल्टीप्लाई किया सेक्स स्क्वायर हो गया, ये ऊपर गया कॉस 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 स्क्वायर हो गया ऊपर गया सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया, फाइनली आपका आया सेक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स, ये इसका फाइनल उत्तर है। अब है आपका टेन एक्स स्क्वायर, इसमें भी ये करेंगे टेन एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस टेन एक्स स्क्वायर बाय एच। अब आप देखें कि इसमें बिल्कुल इसको ऐसा मान के चलिए कि ये टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू है या टेन ए माइनस टेन बी है, और अभी अभी मैंने आपको जो बताया उसका फॉर्मूला क्या है, या तो आप साइन बाय कॉस करके करिए तब भी यही आएगा, ये डायरेक्ट याद करिए साइन ए माइनस बी बाय कॉस ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी, ए इसमें ये है एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और बी ये है एक्स स्क्वायर साइन ए माइनस बी, और नीचे है कॉस ए कॉस बी, यानी कि ये सी का कॉस वाला टर्म एक्स प्लस एच होल स्क्वायर और इसका कॉस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर वाले को ध्यान से देखिए, ये है एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, इसको खोल रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच, नीचे नीचे एक्स स्क्वायर है इसको काट दीजिए, तो एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच आ गया, एच स्क्वायर प्लस टू टू एच एक्स आ गया। अब आपके पास ये है कि ऊपर आपका एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स आया है साइन के अंदर, नीचे वालों को बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि ये एच का जीरो होगा, ये कॉस एक्स स्क्वायर बनेगा, ये भी कॉस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों मिल जाएंगे सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनाएंगे, ये जो कॉस एक्स यहाँ जीरो करेंगे ना कॉस एक्स स्क्वायर ये बनाएगा कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर जाके ये सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये जो फाइनल आपका आ रहा है तो यहीं से मिल जाएगा। हमको देखना है ये साइन साइन एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स और नीचे क्या आया है एच, तो आप कैसे करेंगे इसको, नीचे तो आपको एच प्लस ये एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स लाना है, तो एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच एक्स क्या होता है, इससे एच कॉमन लीजिए एच प्लस टू एच आता है, एच प्लस टू एक्स आता है, एच प्लस टू एक्स आता है, तो आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप सीधा यहाँ एच प्लस टू एक्स लिखिए ऊपर एच प्लस टू एक्स कर दीजिए, बस नीचे वाला ये बन गया, ये एक्स्ट्रा आ गया। अब ये क्या बन गया पूरा, ये जो पूरा है आपने ये जो इंक्लूड किया इसमें ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है ये क्या बन गया, ये वन बन गया, ये पूरा वन बन गया, एक्स्ट्रा क्या आया एच प्लस टू एक्स आया, तो एच प्लस टू एक्स है और नीचे कॉस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर है कॉस एक्स स्क्वायर है, अब इसको जीरो कर दीजिए, ये क्या बनेगा कॉस एक्स स्क्वायर, ये भी कॉस एक्स स्क्वायर, ऊपर आपका एच प्लस टू एक्स है ये, तो ये इसमें आप लिमिट लगा दीजिए, ये टू एक्स बाय कॉस एक्स, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा ये बनेगा सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टू एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये बनेगा। ये है सवाल संख्या छः, तो इसमें क्या मिलेगा आपको एफ एक्स आपका, अच्छा ये चारों सवाल जो है ये एन सी ई आर टी के हैं, ध्यान रखिएगा ये सारे एन सी ई आर टी के सवाल हैं, तो इसमें हमको क्या करना है, ये सारे सवाल हम कर चुके हैं लेकिन हम दोबारा देखेंगे, एफ एक्स आपका माइनस एक्स है, तो मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, एफ एक्स प्लस एच यानी कि माइनस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी कि माइनस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एच, इसमें लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये क्या बनेगा माइनस एक्स माइनस एच माइनस माइनस प्लस
ऊपर ये कैंसिल हो गया, माइनस एच आया, नीचे एच था ही, एच एच से कैंसिल, माइनस वन। अब इसमें आप कोई भी लिमिट लगाते रहिए, डजंट मैटर, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, आपको माइनस वन आ जाएगा। दूसरा है माइनस एक्स की पावर माइनस वन। अब कोई भी अगर पावर है, जैसे आपने कहा कि एक्स की पावर माइनस वन है, तो ये क्या होता है, वन बाय एक्स होता है, या माइनस एक्स है, तो ये बन गया आपका बेसिकली माइनस एक्स की पावर माइनस वन होता है माइनस वन बाय एक्स, क्योंकि वन में माइनस एक्स है तो एक ही बात है, माइनस ऊपर ही आता है, माइनस वन बाय एक्स है। अब चलिए इसमें लगाते हैं, तो माइनस वन बाय एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच हो गया, और ये एफ एक्स क्या हो गया, माइनस वन बाय एक्स बाय एच। ऊपर वाले को डील कर रहा हूँ, लिमिट लगी हुई है, तो ऊपर वाले को पहले डील कर रहा हूँ मैं, माइनस वन बाय एक्स प्लस एच, और ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यों ना इसको आगे लिख दिया जाए, आसान हो जाता है, उसकी ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और इसको मैंने आगे कर दिया ताकि ये हो जाए। अब इसको ले जाइए यहाँ, इसको यहाँ, नीचे एक्स एक्स प्लस एच, एक्स एक्स हो गया कैंसिल। अब हम इसको नीचे वाले को ले आते हैं, एच एच कैंसिल, नीचे क्या आया, वन बाय एक्स एक्स प्लस एच, लिमिट लगा दीजिए इसमें, ये जीरो कर दीजिए, वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन एक्स प्लस वन, साइन एक्स प्लस वन इसको यही बताया जाएगा, साइन एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच करके यहाँ लिख दीजिए, और सेम चीज़ यहाँ लिख दीजिए, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। आप देखें ये जो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता है, अभी हम कई बार देख चुके हैं, तो टू साइन दिस, टू साइन टू कॉस दिस प्लस दिस बाय टू, और फिर साइन टू कॉस दिस प्लस दिस बाय टू, और अगर आप माइनस नहीं चाहते तो आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक। तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू, तो इससे हमें क्या मिला, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, इससे क्या मिला आपको, देखें ये हुआ एक्स एक्स टू एक्स एच, तो यहाँ हो गया और ये टू हो गया, यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल, वन से वन कैंसिल, केवल साइन एच बाई टू बचा। तो ये जो साइन एच बाई टू है, यहाँ नीचे एच है, तो नीचे टू से डिवाइड करिए, ये तो टू अपने आप आया हुआ है ना, और इसके लिए हमने 2 किया, तो हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये साइन एच बाई टू और एच बाई टू में लिमिट लगा के ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 1, तो ये हट गया, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, आपका केवल cos 2x प्लस 2 प्लस एच बाई टू हो जाएगा। अब लगा दीजिए इसमें लिमिट, एच की जगह 0, ये बनेगा cos, मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, x प्लस 1 बाय टू हुआ कॉस टू एक्स एक्स प्लस वन, ये फाइनल आ जाएगा आपका। मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है और आपको कल कॉन्सेप्ट जानना है। ये बेसिकली सॉल्यूशन आपके सामने जो है ना, इस तरीके से करना है, इसीलिए सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखता हूँ कि आपको करना ऐसे है, कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। अगला है कॉस एक्स माइनस पाई बाय एट, इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच में क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई एट माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाई एट बाय एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये बताना जरूरी था क्योंकि यहां से चीजें शुरू होंगी। अब देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी है, अभी पीछे शायद मैंने नेगेटिव बता दिया था, वो गलत बता दिया था मैंने, कॉस सी माइनस कॉस डी में नेगेटिव आता है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी में अगर आपको ये d माइनस सी कर देंगे तो नेगेटिव भी हट जाएगा, तो माइनस टू, यह है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी प्लस डी बाई टू, तो यहां पर लाइए माइनस, मैं यहीं पे बता दूं, यह है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई एट प्लस एक्स माइनस पाई बाई एट, तो एक्स प्लस एच एक्स हो गया टू एक्स, और एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो गया, एच तो है ही, और ये माइनस पाई बाई एट माइनस पाई बाई एट हो गया माइनस टू पाई बाई एट बाई टू, और फिर बाकी क्या है, सी माइनस डी बाई टू, दिस माइनस डी बाई दिस बाई टू, तो अगर इसको आप माइनस करेंगे एक्स प्लस, ये आपका एच प्लस पाई बाई एट माइनस ये एक्स और प्लस पाई बाई एट, नहीं एच प्लस एक्स माइनस पाई बाई एट है
और हम माइनस कर रहे हैं तो पाई बाई माइनस है बाई एक्स माइनस माइनस सी माइनस डी, तो इसको लिखेंगे हम माइनस एक्स, ये आपका माइनस, ये आपका पाई बाई, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, केवल एच बचा। तो यहाँ से आपको केवल एच बचेगा, साइन एच बाई टू, केवल साइन एच बाई टू बच रहा है, बाकी हमने सारा कैंसिल कर दिया क्योंकि ये दिस वॉज डिवाइडेड बाई टू, साइन एच बाई टू आ गया, नीचे एच था ही, जो नीचे एच था उसमें टू से, ये टू से डिवाइड कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा जो टर्म है साइन एच बाई टू और ये एच बाई टू यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कर दीजिए वन, बाकी आपका ये माइनस टू था ही, इससे टू से टू हटा दीजिए, माइनस बचा, माइनस केवल है। अब इस पे आ जाइए केवल, ये जगह साइन टू एक्स प्लस एच माइनस टू पाई बाई एट, इसमें लगा लीजिए लिमिट नेगेटिव है, तो ये एच को जीरो कर दीजिए, तो टू एक्स माइनस टू पाई बाई एट बाई टू, जब टू टू हटा दीजिए यहाँ से, टू कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, एक्स माइनस पाई बाई एट, ये साइन टर्म है तो साइन लगा दीजिए, माइनस था यहाँ पे तो माइनस यहाँ पे, तो आपका आएगा माइनस साइन पाई माइनस एक्स साइन माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई एट, ध्यान रहेगा। चलिए साहब ये एक्सरसाइज हो गई आपकी 30.2, अभी और भी एक्सरसाइज बाकी है इसकी। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।